हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय सी एल सी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप नीट की तैयारी कर रहे होंगे। नीट के एग्ज़ाम्स की डेट्स आ चुकी हैं, फॉर्म फिलअप आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे से फॉर्म आप फिलअप करिए, उसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं करें। नहीं, बार बार आपको उसमें अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपको फिर उसके करेक्शन हैं उसको करेक्ट करने पड़ेंगे, वहाँ आपका समय थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, तो उससे बचने का प्रयास करें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेज़र पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें फुल पेपर आपका है और फुल पेपर के अंदर हमने पूरे के पूरे सारे टॉपिक्स हैं उनको बहुत ठीक से कवर करने का प्रयास किया है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखें आप। पहला क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाली धातु की चकती के एक सिरे से आर बाई टू व्यास की चकती काट ली गई है तो शेष रहे भाग का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। क्वेश्चन फिर आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म मेटल डिस्क of radius capital R is taken and out of it a disc of diameter R by 2 is cut off from the end. The center of mass of the remaining part will be. अच्छा, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा, मैंने इंग्लिश में पढ़ा, परंतु मुझे कुछ पता नहीं चला क्या नहीं। तो आप अब देखो, मैं क्या कर रहा था कि मैंने क्वेश्चन को पूरा रीड कर लिया। ऐसे क्वेश्चन को रीड नहीं करना है। बता दूं आपको कि जब भी नीट में फिजिक्स को ठीक से आपको ऑपरेट करना है तो पहली शर्त है कि आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, दूसरी शर्त है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ें क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन को पढ़ना इस तरह से है कि एक लाइन का अर्थ जानने के पश्चात दूसरी लाइन को आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं जैसे मैंने यहां से ऐसे पढ़ लिया। एक लाइन पहले पढ़ लीजिएगा कि आर रेडियस की कोई मेटलिक मेरे पास एक डिस्क है और उसके एक सिरे से, मतलब उसके एक सिरे से आपने कोई आर बाई टू व्यास डायमीटर की कोई डिस्क आपने काटी है। अब इसको ढंग से पढ़ने के बाद में फिर अपन क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखें, हाँ तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन को ठीक समझे आप, कि जैसे हमारे पास ये कोई एक डिस्क है, कंप्लीट डिस्क, और ये इसका सेंटर है आर, इसका है रेडियस। अब इसमें से हम लोगों को क्या कहा गया है कि इससे हम लोगों को इसके एक एंड से, इसके एक सिरे से r बाई टू डायमीटर, इसका मतलब उसका रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा r बाई फोर। तो r बाई फोर रेडियस की हम लोग कोई इससे छोटी सी डिस्क है उसको सेपरेट कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको अपन कट कर रहे हैं। पर कहां से कर रहे हैं उसको? हम कर रहे हैं बेटा जी इसके एक एंड से, यहां से इसको कट कर रहा। अब जिसमें इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस जो इसकी है वो है हमारे पास r बाई फोर। अगर इसका रेडियस r बाई फोर है तो ये जो इसकी डिस्टेंस, इसके एंड से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये भी कितनी आपकी डिस्टेंस r बाई फोर ही होगी भाई। अब चूंकि इसकी रेडियस कैपिटल R है बड़े वाले की और छोटे वाले की रेडियस r बाई फोर हो गई, तो जिसको अपन ने काटा है उसका सेंटर पहले वाले के सेंटर से कितना दूर है उसको अपन देखें, तो r में से r बाई फोर अपन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3r बाई फोर। इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं O, तो इसके सेंटर O से, इसके सेंटर O से एक तरह से 3r बाई फोर डिस्टेंस भी कोई रिमूव करने वाला एक तरह से डिस्क बन जाएगा। अब दूसरा पार्ट है वो आपका बच गया रिमेनिंग पार्ट। तो देखो, इसको मैं ऐसे कर दूं, ध्यान समझना कि अगर ये डिस्क कंप्लीट है, अगर डिस्क इसमें कनेक्टेड है, आपने इसको सेपरेट नहीं किया है, तब ये पूरी एक डिस्क है, एक चकती है जो सिमेट्रिकल है, सममित है और उसका सेंट्रो मास ठीक इस बिंदु पर है। पर जैसे ही इसको अपन यहां से कट कर लेंगे और कट करने के पश्चात मोस्ट ऑफ जो इसका मास है वो इस तरफ ट्रांसफर है, यानी इसका हैवी पार्ट इस तरफ है, इसका लाइट पार्ट हो गया। और अपन जानते हैं किसी बॉडी में अगर मास का अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें सेंट्रो मास हमेशा भारी भाग की तरफ, हैवी भाग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब कहाँ शिफ्ट होता है, चूंकि वो अनसिमेट्रिक पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट उसका पता नहीं है। तो अपन ऐसे मान लेते हैं कि जैसे ये जो पार्ट अपन काट के अलग कर रहे हैं, जिसको अपन काट के अलग कर रहे हैं उसका मास मान लीजिए एम वन है, ओके ये ओ पॉइंट था। अब ये M1 जो है यहां से कितना दूर है उसको अपन देखें, तो वो है देखो 3R बाई 4 डिस्टेंस पर। जो रिमेनिंग है उसको मैं यहां मान रहा हूं, तो रिमेनिंग कितना है उसको मैं मान लेता हूं M2। उसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से, वो डिस्टेंस आपको पता करनी है, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। अगर इस डिस्टेंस को मैं R1 मान लूं, इसको मैं डिस्टेंस को R2 मान लूं, तो अपन जानते हैं कि किसी बॉडी के सेंट्रो मास के अबाउट उसके मोमेंट ऑफ मास का प्रोडक्ट है वो कितना जीरो होता है। इसका मतलब m1 r1 is equal to m2 r2, जिसमें m1 तो कौन सा है, काटा जाने वाला भाग, रिमूव्ड पार्ट,
और M2 है कौन सा रिमेनिंग पार्ट। अब अगर हमको M1 मिल जाए तो R1 तो आपको मिल चुका है, R2 हमको फाइंड करना है, ये R2 हमको फाइंड करना है। R2 ही क्या है, R2 ही वो डिस्टेंस है जहां रिमेनिंग पार्ट का सेंटर मास पहले से कहीं शिफ्ट हो चुका है, तो आप इसको शिफ्टिंग ऑफ सेंटर मास भी कह सकते हो या शेष भाग का सेंटर मास कहां चला गया वो भी कह सकते हो, दोनों बातें यहां पे आपके लिए सत्य होती हैं। तो देखिए अब रहा हमारा इश्यू कि M1 कितना है और M2 कितना है। अगर इस पूरी डिस्क का मास, कंप्लीट का मास अगर कैपिटल M मानता हूं तो जो काटा पार्ट अपन ने उसका मास कितना है, रिमेनिंग का कितना, वो अपने को फाइंड करना है। डिस्क को अपन ऐसे मान लें कि इसका मास है उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, उस स्थिति में आप इसमें सिग्मा है उसको कॉन्स्टेंट मान सकते हो। तो देखो सिग्मा होता है क्या है, मास अपॉन एरिया। सिग्मा मान लो मैं कहता हूं कॉन्स्टेंट है, इसके कॉन्स्टेंट होने पर एम क्या हो गया, एरिया के प्रोपोर्शनल, एम प्रोपोर्शनल टू एरिया, एम प्रोपोर्शनल टू एरिया। बड़े वाले का कैपिटल एम है, इस रिमोट का अपने काटना हो फाइंड करना हो तो देखो एम वन बाई कैपिटल एम, ध्यान से देखें एम वन बाई कैपिटल एम, तो एम वन का एरिया कितना है इसका एरिया निकालेंगे तो वो है रेडियस आर बाई फोर वाला, तो पाई इंटू उसका एरिया कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई सिक्सटीन, और इस पूरे का कैपिटल मास है उसका एरिया कितना है देखो पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर से ये कैंसिल तो हो गया हमारे पास 1 बाई 16, और इससे स्मॉल m1 का वैल्यू हमारे पास आ जाता है कितना, कैपिटल m बाई 16, कैपिटल m बाई 16 आ गया। अब अगर इसका m1 हमको मिल गया, m1 हमारे पास कितना है m बाई 16, तो देखिए m बाई 16 ये है m बाई 16 है, तो रिमेनिंग कितना है ये m2 कितना हो जाएगा m माइनस m बाई 16, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी देखो 15 m बाई 16 बस। तो मास की कैलकुलेशन हो गई। दूसरा r1 पहले से अपने को पता है, r2 निकालना है, तो मैंने कहा कि अगर ये आपका सेंटर मास था इनिशियली, इस सेंटर मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ मास, इसका मोमेंट ऑफ मास आपस में कैसे बराबर होते हैं, तो कर दूंगा m2 r2 इज इक्वल टू m1 r1, और इससे पर निकालेंगे R2, तो R2 हमारे पास कितना जाता है M1 by M2 into R1, M1 कितना है भाई M by 16 और M2 कितना है भाई 15 M by 16 और R1 कितना था, ये था हमारे पास 3R by 4, 3R by 4। अब इसको सॉल्व करना है तो आप देखिए M by 16 जो ये आपका M by 16 है उससे M by 16 कैंसिल हो गया, बची वैल्यू हमारे पास कितनी ओनली ये रही देखो, इसे सॉल्व करने पे हमारे पास ये वैल्यू आया देखो 3R by 4 into 1 upon 15, इसको 3 से उड़ा दें तो ये वैल्यू हमारे पास आया कितना देखो 5, तो 5 into 4 कितना हुआ 20, तो R upon 20, R upon 20, ये R upon 20 किससे, इस पॉइंट से R by 20 डिस्टेंस पे रिमेनिंग पार्ट का सेंट्रल मास चला गया है, तो ये लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हुआ कि राइट में हुआ है, ये लेफ्ट की तरफ इसका सेंटर मास है वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसका कौन सा आंसर है वो करेक्ट होगा, तो चलते हैं बैक। तो देखिए इसमें इसका आंसर कौन सा रहेगा कि केंद्र से r बाई 10 डिस्टेंस पर, सेंटर से r बाई 15 डिस्टेंस पर, सेंटर से r बाई 5 पर, सेंटर से r बाई 20 डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर, 20 R by 20, इसमें कोई सेंटीमीटर मीटर दे रखा नहीं, तो आपका आंसर R upon 20 डिस्टेंस पे आ जाएगा, पर किस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। ओके तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि R त्रिज्या तथा 9m द्रव्यमान की एक वृत्त शक्ति से R by 3 त्रिज्या की एक छोटी शक्ति काटी जाती है। जैसे मान लो ये एक हमारे पास R रेडियस जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है R रेडियस और 9m मास की कोई डिस्क है, समझे। अब ये कह रहा है कि इससे r by 3 त्रिज्या की एक छोटी शक्ति काटी जाती है, इससे हम लोग r by 3 रेडियस का एक स्मॉल डिस्क है वो सेपरेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और वो कहां से कर रहे हैं वो आपको दिखा रखा है ऐसे। तो आप देखो अगर इसकी रेडियस r by 3 है, यदि इसकी रेडियस r by 3 है तो ये डिस्टेंस भी r by 3 होगी, है ना। अगर ये डिस्टेंस इसकी r by 3 है और ये डिस्टेंस कंप्लीट कितनी हमारे पास है r, तो जो ये आपको छोटी शक्ति दिख रही है जिसको अपन काट के अलग कर रहे हैं, इसके सेंटर से जो इसका सेंटर है ये, इसके सेंटर से
और जो पहले वाली बड़ी डिस्क है उसका सेंटर है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? अब ये डिस्टेंस आपको देखना हो तो इस कैपिटल आर में से इस आर बाई थ्री को ओपन कर दें माइनस, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी? आर माइनस आर बाई थ्री, इसका मतलब है टू आर बाई थ्री, टू आर बाई थ्री। अब ये करना है हमको कि चूंकि जो बड़ी डिस्क हमारे पास है उसका मास है 9m, तो जिसको अपन काट के अलग कर रहे हैं उसका मास कितना आएगा? तो ध्यान रखें हमेशा तीन तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर वाले में मास लेंथ के प्रोपोर्शनल हुआ करता है, अगर ये सब कांस्टेंट हो, अगर लैम्डा सिग्मा और रो कांस्टेंट हो तो उस स्थिति में, अगर मास लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है तो उस स्थिति में जानते हैं कि वहां पे मास है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और अगर मास सरफेस जिसको डिस्क है हमारे पास, कोई सीट है, कोई प्लेट है, कोई परत है, उस स्थिति में आप मास को सिग्मा के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता मानेंगे और वहाँ मास है वो क्या एरिया के प्रोपोर्शनल आएगा। और अगर मान लीजिएगा मास किसी बॉडी के वॉल्यूम में थ्रू द वॉल्यूम वो आपका डिस्ट्रीब्यूट है, वो भी कैसा यूनिफॉर्मली, उस स्थिति में मास को अपन उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पीछे ही बताया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो अब जिस पार्ट को अपन काट रहे हैं उसका मास मैं मान लेता हूँ स्मॉल एम, ठीक है, और पूरे का मान लो कितना कैपिटल एम, चूंकि यहाँ मास डिस्क पर है उसके सरफेस पर है तो ये अपने अपने एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसका मास स्मॉल एम इसके एरिया पे, इसके एरिया के प्रोपोर्शनल है, जिसको अपन काट के अलग करेंगे उसका एरिया कितना, देखो पहले वो है पाई इंटू आर बाई थ्री का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर बाई नाइन अपॉन पूरी जो डिस्क हमारे पास उसका मास कैपिटल एम है, आर इसकी रेडियस, इसका एरिया कितना है वो है मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर। अब इस पाई आर स्क्वायर से, इस पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, उस स्थिति में बचा ओनली वन बाई नाइन, तो आप देखिए इससे स्मॉल एम का मान हमारे पास आ जाएगा ये कैपिटल एम बाई नाइन। अब कैपिटल एम मतलब क्या है? पूरी बॉडी का मास, तो ध्यान दीजिएगा इस पूरी बॉडी का मास एम ना होकर कितना 9m है। देखो तो अगर मैं इसके 9m को लिखता हूं तो ये 9m पो 9, 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई m आ गई। तो पूरी डिस्क का मास अगर कैपिटल m है तो जिस छोटी जिसको अपन काट के अलग कर रहे हैं उसका मास कितना है वो हो जाएगा आपका कैपिटल m। तो पूरे का मास 9m, जिसको अपन काट रहे हैं उसका मास कितना है वो ओनली m है। अब आपसे क्या पूछा है कि जो डिस्क है उसका जो सेंट्रल मास है ओ पॉइंट, इस ओ के अबाउट अब रिमेनिंग जो पार्ट आपका चक्ति का बचा है उसके कारण इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो अब इसके अबाउट आपको निकालना था, तो आप ये कर सकते थे कि जिसको अपन ने काटा है वो अगर यहां होती और शेष भाग है रिमेनिंग पार्ट है वो भी यहां होता तो जो रिमोट पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो रिमेनिंग है उसका अपन जोड़ते तो टोटल आता ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपन जानते हैं इसमें कि तो इसको देखें, जैसे इसको अपन ऐसे मान लें कि ये कंप्लीट डिस्क है, देखो तो इसको मान लेता हूं कंप्लीट डिस्क, क्यों मान सकते हैं, और ये इसका सेंट्रो मास येलो साहब, और इसकी प्रॉपर्टी हम जानते हैं मास इसका है 9m और रेडियस इसकी है कितनी r, ठीक है भाई। अब देखो ये जो पॉइंट O है इस O को मैं यहां वापिस मान रहा हूं और जिसको अपन ने यहां से काटा है उसको मैं यहां बना दूं, देखो ये काटा जिसको अपन रिमूव कर रहे हैं उसको, इसका मास कितना कैपिटल M है और इसका जो सेंटर है, जो इसका ये सेंटर है, ये सेंटर यहां से कितना दूर है हमने पता कर लिया था, ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये डिस्टेंस हमारे पास है वो कितनी है, वो है आपकी 2R by 3, समझे। और जो शेष भाग है उसकी बात करता हूं तो देखो इसको अपन ऐसे मान लें, या अब आप बात समझ चुके होंगे, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, देखो कि I टोटल जो है वो बराबर होता है क्या है, I रिमूव्ड, जिसको अपन काटते हैं I रिमूव्ड प्लस I रिमेनिंग, I removed प्लस I remaining, ये बनता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि I removed जिसको अपन काट रहे हैं वो भाग तो symmetrical है पर जो शेष भाग बचता है वो unsymmetrical होता है और unsymmetrical का हम सीधे सीधे mathematics से अपन solve नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे arrange कर लेते हैं कि I जो आपका remaining है यानी शेष जो है
उसको अपन लिखें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, आई टोटल माइनस आई कौन सा रिमोट। इसलिए अगर हम आई टोटल निकाल लें इसके अबाउट पूरी डिस्क का, और उसमें से जो रिमेनिंग जो आपका रिमोट पार्ट है उसका भी अपन इसके अबाउट निकाल लें, उसको घटा दें, तो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। तो देखिएगा आई टोटल कितना है, तो इसके अबाउट पूरी डिस्क का जिसका मास है 9 mm, आर इसकी रेडियस है, तो डिस्क का ये क्या है ज्योमेट्रिकल आपका है ना ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, ज्यामितीय अक्ष है, तो किसी डिस्क का अपनी ज्यामितीय अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ जैसे होता है हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, एम उसका टोटल मास होता है, आर उसकी होती है रेडियस। तो देखो आई टोटल है हाफ मास ऑफ डिस्क दैट इज 9 mm, रेडियस दैट इज कैपिटल आर, तो ये लो साहब 9 mr स्क्वायर बाय 2 यानी 4.5 mr स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अब आपको निकालना है जो रिमूव्ड पार्ट है उसका इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अब ध्यान दें कि मान लो मेरे पास ये छोटी डिस्क है जिसका m मास है और इसकी रेडियस है r बाय 3, रेडियस इसकी r बाय 3 है, इसके कारण आपको निकालना है इस पॉइंट के अबाउट। तो ध्यान दीजिएगा यदि इस पॉइंट के अबाउट अपन निकाल रहे हैं तो ये पॉइंट कहाँ है, क्या ये इस पॉइंट के सेंट्रल मास से निकल रहा है क्या, नहीं नहीं। तो अगर किसी बॉडी के सेंट्रल मास से पॉइंट नहीं निकल रहा होता है तो हम समांतर अक्ष पर में अर्थात पैरेलल एक्सिस थ्योरम का उपयोग करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जिसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार इस पॉइंट के अबाउट आई कितना होगा, आई सी एम, चलो इसके पैरेलल यहां तो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो आई सी एम तो कितना हुआ, आई सी एम इसके अबाउट तो वो तो कितना देखो 1/2 मास है उसका कितना कैपिटल एम और उसकी रेडियस कितनी देखो वह है आर आर बाई थ्री का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई नाइन, आर स्क्वायर बाई नाइन प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, एम तो इसका मास एम ही है पर डी मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी 2r/3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4r/9। ये लो साहब अब इसमें इन दोनों को ऐड करके अपन इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर वो आ जाएगा। देखिए इसको अपन ऐड करें तो ये हमारे पास है 1/18, ये है इसका इतना, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा कि अगर मैं इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ भी नीचे क्या आ जाएगा 18, ये भी कौन सा आपका 18, तो एम आर स्क्वायर बाई 18 अपन कॉमन ले लें, तो यहाँ शेष रहेगा 1 और प्लस यहाँ शेष क्या रहेगा 4, तो 4 और प्लस 1 हो गया आपका 5 है ना, तो आराम से अपन इनको जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास वैल्यू है 1/2 या इसको कर दूंगा 4.5 mr स्क्वायर माइनस, इसको हमने जोड़ा तो वैल्यू हमारे पास कितनी देखो भाई, ये आ गई 5/1 mr स्क्वायर बाई 18 अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1 प्लस यहां हो चुका आपका कितना 4 और ये इंटू 2 8 प्लस कितना हो गया 9, ओह वेरी गुड वेरी गुड, तो 9/ कितना 18 mr स्क्वायर ये है ना, इसको अपन यहां से कर दें कैंसिल तो हो गया 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 mr स्क्वायर, ये है 4.5 mr स्क्वायर और ये आपके पास है 0.5 mr स्क्वायर, या ये तो हमारे पास 4.5 mr स्क्वायर, ये है कौन सा हाफ, और 4.5 में से हाफ यानी 0.5 अपन माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 mr स्क्वायर, क्लियर। और ये तो बहुत जगह कॉन्सेप्ट काम आता है, जब भी कोई छोटा पार्ट अपन सिमेट्रिकली काट के अलग करते हैं तो उस स्थिति में जो रिमेनिंग पार्ट है उसका कोई भी आपको कॉन्सेप्ट कुछ भी फाइंड करना हो, कुछ भी प्रोसेस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वहां हमेशा ये जो प्रॉपर्टी होती है उसका टोटल माइनस इक्वल टू क्या होता है आई रिमूव्ड प्लस आपका होता है आई रिमेनिंग। अब ये डायरेक्ट पता होना चाहिए अपने को कि तुरंत आप क्वेश्चन यहीं से ही लिखेंगे, ये तो सिर्फ अपने बताने की प्रोसेस में था, ये तो ओनली सिखाने की प्रोसेस में था है ना, जब आप क्वेश्चन करेंगे नीट के एग्जाम में तो आप सीधे यहीं से इसको सॉल्व करना शुरू करें, आई जो आपका रिमेनिंग है इक्वल टू आई टोटल माइनस आई रिमूव्ड, फटाफट आई टोटल लिख दो, उसके बाद आई रिमूव्ड है वो जो पार्ट था उसका मास निकाल करके उसकी डिस्टेंस कितनी है वो सब चेक करके आप लिख दें यहाँ पर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी एम याद कर दो और एम जो बॉडी है उसका मास रिमूव्ड का और डी डिस्टेंस आप निकाल के उसको पुट करोगे तो आराम से इसका आंसर आपको मिल जाए। ओके तो हमारा जो आंसर इसमें आएगा वो देखें अपन, देखो
इसका आंसर हो गया देखो ये फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां देखिए इसमें क्या है। When a man stands on a turntable stretching with two equal lords in hand and rotates, घूर्णन टेबल पर खड़ा व्यक्ति अपने दोनों हाथों को फैलाकर उनमें भार पकड़े हुए है। दोनों हाथ को फैला रखा है तो टर्न टेबल है वो जो घूमने वाली टेबल है उस पर दोनों हाथ फैला रखे हैं और दोनों हाथों में कुछ भार लिए हुए है पकड़ा है और रोटेट कर रहा है। ओके वह अचानक सडनली अपने हाथों को सिकोड़ करके शरीर से सटा लेता है। पहले हाथ दूर थे और हाथों को सटा लिया, पहले दूर थे तो मोर मास मोर डिस्टेंस पे था, जैसे हाथों को सटा लिया जाएगा और उस कंडीशन में मास आपका सेंट्रो मास की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब पहले क्या था, मोर मास मोर डिस्टेंस मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, पर जैसे मास पास आ जाएगा मोर मास लेस डिस्टेंस तो लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। यानी अधिक द्रव्यमान अधिक दूर होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है और अधिक द्रव्यमान जब पास आ जाता है सेंट्रो मास के अबाउट तो उस स्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कम हो जाता है। ठीक है ये बात यहां लागू हो रही है, यानी आपको ये पता चल रहा है कि इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ ऐसा पहले अधिक था बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है। ठीक है तो अब ये कह रहा है कि तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका ट्रू है वो आपको पहचान करना है। तो सिंपल सी यहां बात है, देखो इसमें आप क्या करना है कि चूंकि इस पूरी प्रोसेस में हम जानते हैं जे यानी एंगुलर मोमेंटम दैट इज आई ओमेगा वो है कॉन्स्टेंट और आई यहां वेरी कर रहा है तो आई की वेरी करने से ओमेगा वेरी करेगा। तो अगर मैं इसे फाइंड करता हूं ओमेगा मेरे पास कितना हो गया, ओमेगा हो जाएगा हमारा, ओमेगा हो जाएगा कितना, ये इसको कर दूं प्रोपोर्शनल के रूप में तो देखिए ये प्रोपोर्शनल हो गया 1/i। सिंपल सी बात है। अब चूंकि हाथों को सेंटर की तरफ लाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका घट रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग बढ़ रहा है। अब वो तेज गति से स्टार्ट हो जाएगा, पहले उसकी ओमेगा कम होगी पर उसमें ओमेगा के डिक्रीज होने से उसका ओमेगा आपका बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ेगा जबकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और इस पे नेट टॉर्क कितना जीरो है तो टॉर्क भी कांस्टेंट है, जीरो भी कांस्टेंट मान जाता है तो टॉर्क यहां पे कांस्टेंट है एंगुलर मोमेंटम यहां पे कांस्टेंट है बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वेरी करने से एंगुलर वेलोसिटी की बात कर दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर दो या टाइम पीरियड की बात कर दो वो सब वेरी करेंगे तो ओमेगा के बढ़ने से टाइम पीरियड आपका घट जाएगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा फोर्थ। ओके बढ़ते हैं आगे, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें कि चार कर्ण जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है l भुजा वाले एक वर्ग के शीर्षों पर स्थित है, यानी हमारे पास चार पार्टिकल हैं उनके मासेस कितने कैपिटल एम है और उनको किसी एल जो एल साइड किसी स्क्वायर के सारे सेंटर सारे जो वर्टिसेस हैं जो कोने हैं उन पे रखा गया है। तो आपसे पूछा है कि ऐसी स्थिति में वर्ग के सेंटर पर यानी स्क्वायर के सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है उसका वैल्यू आपने को बताना है। तो ठीक है भाई करें शुरू इसको। तो देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, जैसे ये मान लो हमारे पास कोई एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के सारे कोनों पर हमने चार पार्टिकल्स रखे हैं जिनके मासेज हैं कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम और कैपिटल एम और जो इसकी साइड है वो है हमारे पास एल एल और एल। आपसे पूछा है कि इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है। तो पहली बात तो ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है अदिश राशि है और उसमें अनेक द्रव्यमान कण किसी बिंदु पे आपको नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा कि सारे जो मासेज हैं उन सब के अपने अपने इंडिविजुअल पोटेंशियल उनको फाइंड करते उनको जोड़ते हुए आपको मान निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा
यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वी टोटल है, वी टोटल है वो कितना है? वैसे देखो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है, और मास भी कैसे बराबर है, तो एक का जितना है उतना है दूसरे का, उतना है तीसरे का, उतना है कौन सा चौथे का है, सब आपस में बराबर है। तो अपन ऐसे लिखते हैं इसको, वी टी इक्वल टू क्या लिखते हैं, वी वन प्लस कौन सा वी टू प्लस कौन सा वी थ्री प्लस कौन सा वी फोर। तो मास और डिस्टेंस सबके सेम होने के कारण ये सब आपस में बराबर है, यानी वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी थ्री वी फोर सब बराबर है। तो इसको चाहो तो मैं फोर वी वन कर सकता हूँ, यानी आप मान लो कि ये वन है, इसको अपन टू मान लें, इसको अपन थ्री मान लें, इसको अपन यहाँ फोर मान लें, सबके सब सिमेट्रिक है, तो इसलिए इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखो, फोर इंटू ये है माइनस का जी एम अपॉन आर, एक पार्टिकल का, जैसे यहां कोई पार्टिकल है इसका मास कैपिटल एम है, इससे आर डिस्टेंस पे यहां पे आपको वी जी निकालना है, तो वी जी होता है माइनस का जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर। तो एम तो वो मास जो प्रोड्यूस कर रहा है आर उस पॉइंट की, उस मास के सेंटर से डिस्टेंस। तो यहां यदि मैं इस वन को ये इसका सेंटर मान लूं, तो यहां से इस डिस्टेंस पे आपको निकालना है डिस्टेंस कितनी है, अगर ये एल है तो ये होगा एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू, रूट चला गया ऊपर, क्लियर। माइनस को पहले यहां से बाहर, तो माइनस का देखो हो गया वैल्यू हमारे पास जी एम बाई एल इंटू फोर रूट टू, ये इसका आंसर होना चाहिए। अगर 4 को मैं इसमें अंदर ले जाऊं तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 इंटू 2 कितना 32, तो आप चाहो तो माइनस का जी एम बाई एल और रूट 32 भी इसका ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। और ऐसा ही ऑप्शन यहां दे रखा है, देखो हमारे पास माइनस 32 रूट ऑफ 32 जी एम बाई एल, और यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहां एक बात ध्यान रखना, यदि ऑप्शन यहां पर देखो सर, ये एक माइनस का, बाकी सारे माइनस के तो हैं पर 32 का प्लस का नहीं है। अगर यहां मान लो पहला प्लस रूट 32 जी एम बाई एल होता, और मान लो यहां माइनस का रूट 32 और जी एम बाई एल होता, तो आपको माइनस का टिक करना पड़ेगा, प्लस टिक नहीं करना, समझे? ये बातें आपको ध्यान रखनी है भाई। तो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर रेडियस और ए क्रॉस सेक्शन के एक स्टील की कोई रिंग हमारे पास है। क्वेश्चन पढ़ लें, आर त्रिज्या व ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली एक स्टील की वले को कैपिटल आर त्रिज्या की लकड़ी की एक डिस्क जिसमें कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से बड़ी है पर फिट किया गया है, फिट कर दिया उसको। तो ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन इस तरह देखो, ये कि मान लो हमारे पास ये कोई एक स्मॉल आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस की एक स्टील की कोई रिंग है, स्टील की रिंग है, और हमारे पास एक कैपिटल आर त्रिज्या की एक डिस्क है। जैसे मान लो ये डिस्क है, एक ये है डिस्क जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, और कैपिटल आर का मान है वो स्मॉल आर से ज्यादा है, दोनों पहले सेपरेट थे। अब हमने क्या, इस स्टील की जो हमारे पास रिंग थी और ये डिस्क है पूरी, ये डिस्क है, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके और इसके ऊपर इसको कवर अप कर देते हैं। यदि इसको इसके ऊपर कवर अप कर देंगे, जैसे मान लो इसको अपन इस पे कर दो, मोल्ड कर दो ऐसे ए येलो, तो ऐसा करने का मतलब ये हो गया कि जिसकी रेडियस पहले स्मॉल आर थी उसकी रेडियस बढ़कर कैपिटल आर हो गई, है ना? तो पहले इसकी लेंथ कितनी थी, अगर इसकी लेंथ अपन पहले मानते हैं, इसकी लेंथ एल, वो हमारे पास है 2πr, अब इसकी लेंथ एल डेज कितनी हो गई 2π कैपिटल आर, जो पहले से बड़ी लेंथ हो गई, तो लेंथ में चेंज आ गया। तो चेंज कितना आएगा वो अपन ज्ञात करना चाहें, तो डेल्टा एल हमारे पास कितना देखो हो जाएगा, इसमें डेल्टा एल हमारे पास है एल डेस माइनस का एल, जिसमें 2π अपन कॉमन ले सकते हैं, तो वैल्यू हमारे पास आई कितनी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हमारे पास इसका चेंज इन लेंथ है। यदि आपको इसमें स्ट्रेन निकालनी है, विकृति निकालनी है, तो डेल्टा एल अपॉन एल चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, और इनिशियल लेंथ कितनी है 2π इंटू स्मॉल आर, और अगर मैं यहां पे 2π से 2π को माइनस कर कैंसिल कर दूं, तो हमारे पास ये है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर, ये आपकी स्ट्रेन आ गई। पूछा क्या है, आगे बढ़ते हैं। यदि इसका यंग मॉडुलस ई है तो वह फोर्स जिससे इस स्टील की वले में प्रसार होता है, तो आपसे पूछा है कि अगर इसका यंग मॉडुलस कैपिटल ई है तो वो फोर्स आपको बताना है जिससे इस स्ट्रिंग में या इस आपकी जो रिंग है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो जब बात यहां पे यंग मॉडुलस की आ चुकी है, तो आप जानते हैं कि
फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं वाई इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, पढ़ते हैं। तो फोर्स आपको फाइंड करना है, एरिया हमको ए दे रखा है, तो फोर्स यहां कितना होगा, तो फोर्स एफ इज इक्वल टू, मैं क्या लिखे देखो, ये हो गया वाई इंटू ए, वाई और वाई क्या दे रखा हमको, देखो वाई दे रखा ई, तो वाई तो आपने ई लिखा, ए को ए ही मानना है, इंटू डेल्टा एल बाई एल, ये है बेटा जी आर माइनस स्मॉल आर बाई कैप स्मॉल आर, और यही आपका आंसर है, ई इंटू ए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन आर ई इंटू ए, तो इसका आंसर आपका सेकंड ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर रेडियस की एक कॉपर की हमारे पास गेंद है और ये एक समान चाल वी से, सॉरी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या की एक तांबे की गेंद एक समान चाल वी से एक श्यान द्रव्य में गति करती है, कोई हमारे पास एक आर रेडियस की एक बॉल है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड वी से एक विस्कस मीडियम में मूव कर रही है। ठीक है भाई, यदि इस गेंद को अन्य तांबे की गेंद जिसकी त्रिज्या 2r है से बदल दिया जाए तो नई एक समान चाल क्या होगी। तो ये विस्कस मीडियम में एक तरह से टर्मिनल स्पीड है, उसके बारे में प्रश्न आपका है। तो वहां आप लोग पढ़ते हो कि जब किसी बॉडी को अपन पहले एयर से किसी लिक्विड में ड्रॉप करते हैं हाइट से, तो हाइट में उसका ड्यू टू जी उसकी स्पीड पहले बढ़ती है, जैसे बॉडी है लिक्विड में इंटर करेगी, इंटर होने के बाद चूंकि नीचे फोर्स आपका एम जी है, ऊपर आपका अपथ्रस्ट फोर्स भी है, पर उसकी स्पीड कारण जो आपका विस्कस मीडियम है वो उस पर क्या लगाएगा, विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर इंटू बीट लगाता है। अब लास्ट में लगातार उस पर नीचे पहले फोर्स है, लगातार उसका स्पीड बढ़ रहा है, उस स्पीड बढ़ने से ऊपर का विस्कस फोर्स बढ़ता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि नीचे वाला वेट और ऊपर का आपका अपथ्रस्ट फोर्स और साथ में विस्कस फोर्स दोनों आपस मिलकर के नीचे वाले वेट को बैलेंस कर देते हैं, और बैलेंस होने के पश्चात जो बॉल होती है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन शुरू कर देती है, और उस स्पीड का जो वैल्यू होता है, उस स्पीड का जो वैल्यू होता है आपको मालूम है वी टी जो होता है वो समानुपाती होता है आर स्क्वायर, बस 2/9 आर स्क्वायर समथिंग जो डेंसिटी के रूप में और फॉर्मूला होता है। मोटे तौर पर जो वी टी है या टर्मिनल स्पीड है वो चूंकि यहाँ पे आर ही तो बदली हम लोगों ने, तो वी टी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। अब इसको अपन देखें तो पहले वेलोसिटी कितनी वी थी और 2r होने पे कितनी है वो आप बतानी है। तो देखो भाई वी टी डेस अपॉन वी टी इज इक्वल टू आर डेस बाई आर, आर डेस बाई आर इसका स्क्वायर, आर डेस बाई आर का स्क्वायर, आर डेस हमने कितना कर दिया 2r अपॉन r इसका स्क्वायर, ये से कैंसिल 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो वी टी डेस हमारे पास कितनी हो जाएगी 4V हो जाएगी। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। बढ़े आगे, तो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है कि कोई प्रेक्षक किसी स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर ध्वनि के वेग के 1/5 वेग से गति करता है तो आभासी आवृत्ति में परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या है, प्रतिशत वृद्धि क्या है, वो आपको पता करना है। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद ए वेलोसिटी 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जो उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी उसमें परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो पहली बात है कि साउंड सोर्स है वो रेस्ट में है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जर्वर है और ये है साउंड सोर्स एस, तो साउंड सोर्स तो है रेस्ट में और रेस्ट में होने से इसका वी एस कितना हो जाएगा, जीरो, वी एस है जीरो। अब जो ऑब्जर्वर है या प्रेक्षक है, जो लिसनर है, वो क्या कर रहा है, वो साउंड की वेलोसिटी की 1/5 वेग से गति कर रहा है और उसकी तरफ जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, यानी इसकी स्पीड है वो इस तरफ है और इसकी स्पीड ऊपर मानते हैं वी नॉट, और ये वी नोट है कितनी वो आपको दे रखा है, वी नोट है वी बाई 5, वेलोसिटी ऑफ साउंड का 1/5 है। तो अब ये पूछा है कि जब ये इसके पास जाएगा तो
तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी इसको सुनने वाली है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी उसको सुनने को मिलेगी और उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो आप पता करना है। तो आपको मालूम है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप पढ़ते हो एन डेज इक्वल टू एन इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन कितना वी प्लस माइनस वी एस। अब चूंकि यहां पर वी एस तो है ही नहीं, जीरो है, और इसके पास जाने पर डिस्टेंस कम होगी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा आपको फील होगी। ज्यादा मतलब यहां आपको कौन सा सिंबल लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा बस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए अपन चाहे तो इसको तो ऐसे कर सकते हैं बहुत शॉर्ट में कि एन डे अपॉन एन इज इक्वल टू हमारे पास है वी प्लस वी नॉट अपॉन वी। क्लियर, एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। जैसे आप ये है वी प्लस, ये मेरे पास है वी बाई फाइव, वी बाई फाइव इनको जोड़ेंगे अपन तो यहां मेरे पास कितना वैल्यू आ गया, देखो यह है वी प्लस वी बाई फाइव या वन प्लस वन बाई फाइव, तो फाइव प्लस वन इन सिक्स बाई फाइव आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे ना और वी से भी कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू है सिक्स बाई फाइव, सिक्स बाई फाइव। अब मैं काम कर रहा हूं कि अगर मैं इस एन को हंड्रेड मान लू, जो इनिशियल थी उसको मान लू हंड्रेड, तो उस केस में एन डेज कितना आया, सिक्स अपॉन फाइव इंटू हंड्रेड। तो देखो इसको मैं यहां से उड़ा दूं, ये आपका आया 26 इंटू 20, हमारे पास वैल्यू कितना आया 120 आ गया। अब ध्यान से तो यही आंसर आ चुका है, जब मैंने इनिशियली उसको 100 मान लिया है, बाद का कितना 120 है, तो कितना इंक्रीमेंट आया 100 के बिहार पर कितना 120 हुआ, तो 20% का ही तो इंक्रीमेंट हुआ ना, और 20% इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर है फोर्थ, दैट इज 20% आंसर। ओके, तो ऐसे अपन करेंगे तो आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक बिंदु आवेश घन के कोने पर व्यवस्थित है, एक पॉइंट चार्ज है वो घन के किस कहां पर है, एक कॉर्नर पे। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक क्यूब है और इस क्यूब के एक कोने पर, मान लो यहां इस कोने पर एक आवेश अपन ने क्यू मान लिया, ठीक है, तो एक बिंदु आवेश कोई पॉइंट चार्ज है वो किसी क्यूब के कोने पर अरेंज्ड है और उस स्थिति में घन से संबंधित कुल फ्लक्स फाई है। जब चार्ज को एक कोने पर रखा गया है तो इस क्यूब से रिलेटेड टोटल फ्लक्स फाई है। तो पहले इसी की बात पूरी कर ले कि जब कोई चार्ज किसी क्यूब के कॉर्नर पर रखा हो तो उस कॉर्नर पर रखे चार्ज के कारण इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, ये हमको पता करना है, क्यूब टोटल से कितना फ्लक्स पास होगा। तो हमको मालूम होना चाहिए कि जब कोई चार्ज इसके कॉर्नर पर रखा होता है तो इस चार्ज को कवर अप करने के लिए आपको टोटल कितने चाहिए, एट क्यूब चाहिए। तो एट क्यूब इज इक्वल टू 24 फेसेस इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स ऑफ दैट चार्ज, और ये है कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये पूरा एक सिंपल स्टेटमेंट है कि जब चार्ज किसी भी क्यूब के कॉर्नर पर रखा हो तो उस स्थिति में उसको कवर करने के लिए आपको एक क्यूब यहां चाहिए, दो क्यूब यहां चाहिए, चार इसके पीछे चाहिए, कुल मिलाकर के आपको आठ क्यूब चाहिए। तो आठ क्यूब का फ्लक्स कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो देखो इस स्थिति में जो आपका वन क्यूब, जो फाई ऑफ वन क्यूब वो कितना है, आप देखो क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट है, एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हमारे पास ये। तो इससे देखो मैं यहां ये करूं कि मैं इसमें से अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल लूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी है कि आठ। आपको इस फाई नॉट की वैल्यू, आप फाई क्यूब दे रखा है, हम लोगों को कितना फाई दे रखा है, तो अगर ये फाई क्यूब दे रखा है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे पास कितना, एट इंटू फाई हो गया। अब सुनो, अब देखिए आपको पूछा क्या है इसमें, यदि कह रहा है यदि इसी समान आवेश को घन के केंद्र पर रख दें, अगर इसी चार्ज को अपन घन के केंद्र पर रखते हैं तो उस स्थिति में पूछा है कि इसके प्रत्येक फ्लक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा, यानी चार्ज के सेंटर पर रखे होने पर वन क्यूब इज इक्वल टू कितना सिक्स फेस, और यहां एक ही चार्ज है कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अपन हम सोल्व करेंगे तो देखो इस स्थिति में एक फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट। तो इसी से अपन सोल्व करेंगे कि यहां, तो ये पूरा एक स्टेटमेंट होता है अपन पढ़ते हैं क्लासों में, तो ये इसका मतलब क्या कि एक क्यूब का फ्लक्स ये है, छह फेस का फ्लक्स ये है, तो एक फेस का फ्लक्स कितना है, फाइव ऑफ वन फेस, वो हमारे पास है क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसका वैल्यू हमको कितना दे रखा है, ये एट एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान दो इसी को अगर मैं यहां सोल्व करता हूं तो वन बाई सिक्स इंटू ये मेरे पास है कितना, देखो एट
फाई, इसको अपन काटेंगे तो मेरे पास बिल्कुल कितनी 4/3 5, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो तो बड़े क्वेश्चन नंबर 9, तो ये क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरड आर चार्ज टू पोटेंशियल्स 2 kV and 1 kV। हमारे पास दो कैपेसिटर है और दोनों को हमने सेम उनकी कैपेसिटेंस है, पर उनके पोटेंशियल कैसे हैं वो अलग अलग हैं, 2 kV और 1 kV। ठीक है जी, द नेगेटिव एंड आर कनेक्टेड टुगेदर, दोनों के नेगेटिव एंड आपने जोड़ दिए। When the positive, पहले negative जोड़े, बाद में कह रहा है when the positive ends are also connected together, then the loss of energy of the system is। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन समझो, हमारे पास ये दो कैपेसिटर थे, ये लो साहब, ये इसकी मान लो पॉजिटिव प्लेट है, इसकी नेगेटिव प्लेट है, ये इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले कहा कि नेगेटिव आपस में जोड़ रखी है, दोनों कैपेसिटेंस इसकी सी वन हो चाहे सी टू हो, दोनों आपस में बराबर हैं और कितनी है 5 माइक्रोफेरड, और ये भी कितनी है बेटा जी 5 माइक्रोफेरड है, दोनों बराबर हैं। इसको हमने 2 kV 2000 वोल्ट से और इसको हमने 1 kV से चार्ज किया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि जब हम इन दोनों की पॉजिटिव प्लेट को भी आपस जोड़ देते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी है वो आपको बतानी है। तो ध्यान करो आप कि डेल्टा ई लॉस वो होता है 1/2 C1 plus C2 into V1 minus V2 का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है डिफरेंस का स्क्वायर होता है। अब यहां V1 मोर माइनस लेस होता है, तो जो भी अधिक वोल्टेज है उसमें से कम आप माइनस करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 1/2 into C1 C2, तो C1 हमारे पास कितना 5 into 5 upon 5 plus 5, तो कर दूंगा इसको 25 अपॉन कितना 10, पर तो 5 into 5 अपॉन प्लस के रूप में है, थोड़ी सी तो यहाँ गलती अपन क्या करते हैं, यहाँ थोड़ी सी एक अपन गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे मैं लिखूँ इसको 5 micro into 5 micro अपॉन कितना 5 micro plus 5 micro, तो 10 micro into, अब देखो यहाँ V1 minus V2 का स्क्वायर है, मोर माइनस लेस, तो 2000 में से अपन घटा दें किसको, 1000 को, है ना, 2000 में से 1000 तो बचा 1000 और उसका भी स्क्वायर, तो 10^3 का स्क्वायर 10^4 कितना छा गया, 10^3 थी उसका अपने स्क्वायर किया 10^4 कितना 6, यानी 10^3 का स्क्वायर कितना 10^6 हो जाएगा। अब देखिएगा मैं इसमें इस माइक्रो तो इस माइक्रो से कैंसिल कर सकता हूं, पर ये माइक्रो आपके यहां रह जाएगा, पर ये वैल्यू है कितना 10^-6 और ये 10^+6, तो 10^+6 माइक्रो से कैंसिल हो गया। अब इसको अपन चेक करते हैं, तो देखो हमारे पास ये है 25/20, ये वैल्यू हमारे पास आई 25/20, जिसमें से या अगर इसको मैं यहां से कट करता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है कितनी 2, तो 5/4, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना 5/4 दैट इज 1.25 जूल, तो 1.25 जूल इसमें लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा और ये इसका आंसर है फोर्थ। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि एक हमारे पास को ईएम वेव है, जैसे द वेव फंक्शन इन एस आई सिस्टम फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एस, कोई एक ईएमडब्ल्यू है, इसका हमको वेव फंक्शन दे रखा है। ठीक है जी, तो यहां लिखा है 10^3 sin π 3 × 10^6x − 9 × 10^14 t, तो पूछा द स्पीड ऑफ द वेव इज, तो जब भी आपको ऐसी इक्वेशंस में तो दो चीजें होती है, एक होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल, एक होता है स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव, अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल तो क्या होता है, मान लो इस पूरे फंक्शन को मैं यहां जो फाइ साई लिखा है इसको मैं वाई मान लूं, इसको वाई मान लूं, तो वाई इक्वल मेरे पास ही है ना, तो यहां y का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दैट इज dy/dt होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और इसमें जो वेव फंक्शन के अंदर छुपी स्पीड होती है उसको हम कहते हैं वो है वेलोसिटी ऑफ वेव। तो दोनों अलग स्पीड होती हैं, उनमें से आपको वेलोसिटी ऑफ वेव पूछी है
वो यहां पे छुपी हुई है, और उसमें फाइंड करना हो तो आप क्या करा करो, जो भी इसका ये फंक्शन है ये वाला, इसको आप कर दिया करो जीरो। जैसे देखो यहां हमारे पास वैल्यू है 3 × 10 to π, तो दोनों में कॉमन है तो इश्यू है नहीं, वैसे पाई अगर रखना भी चाहते हो तो रख दो इसको आप, पाई इंटू 3 × 10⁶ x माइनस कितना है 9 × 10⁴ t इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये पाई इंटू समथिंग बराबर जीरो है, पाई जीरो नहीं है, पाई हियर नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब शेष भाग जीरो है, शेष भाग जीरो। अब अगर ये इसका शेष भाग जीरो है तो अगर मैं इस पार्ट को जो माइनस है इसको आगे ले जाऊं तो मेरे पास कितना 3 × 10⁶ x इक्वल टू कितना 9 × 10⁴ t आ गया, जिसमें से मैं x अपॉन t निकालूंगा, ध्यान सुनो भाई, जिसमें से x अपॉन t निकालूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 9 × 10⁴ अपॉन कितना 3 × 10⁶, जिसमें से इसको बढ़ाऊं तो ये 3 आ गया, और इसको इससे बढ़ाऊं तो 14 में से 6 गया, तो बचा कितना हमारे पास 8, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड आ गई। और ये एक तरह से फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ EMW है, और ये बहुत हाईएस्ट स्पीड है जिससे EMWs फ्री स्पेस में मूव करती हैं, ट्रेवल करती हैं, ये हमारी स्पीड आ गई। एक बात और ध्यान दो, यहाँ माइनस है, अपने इसको सोल्व किया, बेसिकली क्या किया मैंने, ये पाई जीरो पॉसिबल नहीं है, बचा वैल्यू कितना जीरो हो गया। अब इसको जीरो करने के पश्चात मुझे एक्स अपॉन टी निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जो वेव होता है ना, तो एक तो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दैट इज dy/dt, और वेलोसिटी ऑफ जो वेव हम लोग लिखते हैं वो है कितना, वेलोसिटी ऑफ वेव फिक्स आपका यहाँ पे एक्स अपॉन टी है, मान लो फंक्शन में यहाँ वाई और टी होते तो हमारे पास कितना, ये आपका y/t हो जाता, ये हो जाता भाई। अब इसमें ये सब ज्ञात करना था हमारे को, तो मैंने जब इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये प्लस में है ना, प्लस का मतलब ये वेव प्लस एक्स में मूव कर रही है, अगर यहाँ पे ये वेव आपकी वाई और टी के रूप में होती और फिर प्लस आता तो हम कहते हैं प्लस वाई में मूव कर रही है, और ये जेड और टी के रूप में आती और फिर हम यहाँ फाइंड करते और जेड अपॉन टी प्लस में आता तो हम बोलते कि प्लस जेड एक्सिस में मूव कर रही है। हो सकता है कि यहाँ प्लस क्या होता, तो प्लस होने पे इसमें आता माइनस तो नेगेटिव एक्स में मूव करती, यहाँ इसमें साइन और वेलो दोनों आ जाती हैं, तो वेव मोशन का टॉपिक हो चाहे आपका EMW, दोनों में वेव की स्पीड को आप इस तरह से फाइंड करा करो, बहुत ईजिली आपका आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो तो अगला क्वेश्चन आपका है रेडी, तो क्वेश्चन है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट d/d इज इक्वल टू 10⁻⁴, और d आप जानते हैं स्मॉल d होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, कैपिटल डी होता है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स एट ए पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, द रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट एस आई नॉट देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम इज। लैंग्वेज बहुत खतरनाक है, बच्चे ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे तभी इसमें आप कुछ कर पाओगे। तो देखो कैसे क्वेश्चन है, मान लीजिएगा ये स्क्रीन है और यहां हमारे पास था YDSC की दो स्लिट S1 और S2, ये था S, इस S का यहां अपने क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अपन लेते हैं D, और जो सेंटर ऑफ स्लिट्स है इसकी स्क्रीन से डिस्टेंस है वो होता है आपका कैपिटल D, वो डिस्टेंस है कैपिटल या D डिस्टेंस है, ये है सेंटर ऑफ स्क्रीन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, डिस्टेंस वाई हमको फाइंड करनी है, पर ये डिस्टेंस किस रूप में फाइंड करनी है, क्या उसकी कंडीशन है, ये कह रहा है कि ये पॉइंट हमारे पास जो है, इस पॉइंट पे जो वेव यहाँ पे सुपरइम्पोज होकर के इंटेंसिटी बना रही है वो इंटेंसिटी कितनी है, आई नोट है, पर कब, इस फर्स्ट सोर्स की इंटेंसिटी आई नोट है, इसकी भी कितनी आई नोट है, उस केस में दो सेम इंटेंसिटी के सोर्स आपस में यंग मोड जो आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस होने के पश्चात इसके सेंटर से किसी वाई डिस्टेंस पे जब सुपरइम्पोज होती है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास कितनी आई नोट है, तो इस आई नोट यानी आई नोट के सोर्स से किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी की आई नोट रहने के लिए आप पूछा कि इस स्थिति में वाई का वैल्यू कितना है। तो देखो हमको काफी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अब हमको क्या चाहिए उसको देखना है, तो
आपको मालूम है कि YDS एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन के किसी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसका वैल्यू कितना होता है। आप जानते हैं I होता है रिजल्टेंट 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये बेसिक आपका फॉर्मूला होता है, जहां ये I0 क्या है, किसी एक सोर्स की इंटेंसिटी है। अब आप क्या बोला है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कितनी है प्यारे बच्चों, वो है ओनली I0। ये लो सब I0, ये आपका 4I0 और ये हो गया आपका cos स्क्वायर 5/2। फाई यहां पर फेज डिफरेंस है बेटा, फाई है यहां पर S1 और S2 के बीच का फेज डिफरेंस है। अब इससे अपन सॉल्व करेंगे तो I0 से I0 कट गया, 4 को अपन ले आए यहां, तो 1/4 हो गया। 1/4 इज इक्वल टू आपका है cos स्क्वायर 5/2। अब इसका अपन कर दें रूट, तो cos 5/2 इक्वल टू हो गया 1/2, यानी इसका रूट करने से हमारे पास cos 5/2 की वैल्यू आ चुकी है 1/2। अब cos 5/2 है, अगर 1/2 है तो 1/2 कब होता है, एंगल के 60 डिग्री होने पर। तो इससे हम सॉल्व करेंगे, देखो इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5/2 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री और इससे 5 हो गया 120 डिग्री। इसका मतलब ये है 2π/3। तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस हमको मिल चुका है, दैट इज 2π/3। अब फेज डिफरेंस जो है उसका रिलेशन हम लोग लेते हैं पाथ डिफरेंस से, तो फेज डिफरेंस का पाथ डिफरेंस से अपन जानते हैं फाइ इक्वल टू सिंपल याद करते हैं के एक्स से, और के होता है कितना 2π/λ। एक्स है यहाँ पे पाथ डिफरेंस जिसको अपन यूज करते हैं डेल्टा एक्स से, तो ये रिलेशन आपका फिक्स है, वो है देखो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। और यंग डबल सेल एक्सपेरिमेंट में जो आपका यहाँ ये पाथ डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद हो तो y into small d by capital d। अब ये phi हमने फाइंड कर लिया है, बाकी सब आपको दे रखा है, और ये small y जो कि आपको मालूम है y, इसको हमको फाइंड करना है। तो अगर इसको मैं यहां तक पुट करूं तो phi हमारे पास, चलो मैं यही कर दूं इसको पुट, तो phi हमारे पास कितना देखो 2π/3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2π से 2π कैंसिल और y हमको फाइंड करना है, तो y को देखो हम कैसे लिखे हैं, इसको y इज इक्वल टू, y हमारे पास हो चुका, ये कट गया ना, तो देखो लैम्डा चला गया ऊपर तो लैम्डा अपॉन 3 चला ऊपर 2π/2 कैंसिल हो गया, तो λ/3 इंटू कितना, ये हो गया कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा कितना हमारे पास है 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो 6×10⁻⁷ इंटू D/d। आपको दे रखा है d/D 10⁻⁴ है, तो कैपिटल डी इसको उल्टा करें तो 10⁻⁴ हो गई अपॉन कितना 3, तो 3 से कैंसिल हो गया आपका 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2×10⁻³ रह गया, और 10⁻³ मतलब मिलीमीटर, इसका आंसर है 2 मिलीमीटर। तो आंसर क्या टिक कर दोगे फर्स्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखो सारी बातें यहां पे काम आ रही है, और नीट ने इन 2-3 सालों के चक्कर में यहां से क्वेश्चन पूछने शुरू कर रखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहां से नीट क्वेश्चन पूछता है भाई। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत शानदार है और आंसर इसका फर्स्ट आपका हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक पोलराइजर इज यूज टू, एक पोलराइजर है उसका उपयोग हम किसके लिए लेते हैं, तो सिंपल सा खेल है, आप यहाँ दो प्रकार के जो निकोल प्रिज्म या जो होता है ना पोलर, उसको काम में लेते हो, पहला होता है उसको बोलते हैं अपन ध्रुवक या पोलराइजर, दूसरा है उसको अपन कहते हैं विश्लेषक या एनालाइजर। ध्रुवक का काम होता है प्रकाश को अध्रुवित से ध्रुवित में कन्वर्ट करना, यानी जो पोलराइजर आपका है उसका वर्क है किसी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करना, और जो आपका सेकेंड होता है एनालाइजर, उसका काम होता है ये टेस्ट करना, पता करना कि आने वाला लाइट आपका पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए इसका अपन उपयोग करते हैं, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m व्हेन ऑसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, एक हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस v से कर रहे हैं एक्सेलरेट,
ओके ठीक है, तो उस स्थिति में उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है, ये भी ठीक है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन ऑफ मास कैपिटल एम व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम रखा जा रहा है। तो अब देखो इसमें क्या आपको करना है, आपको मालूम है जो लैम्डा होता है वो होता है एच अपॉन पी, और पोटेंशियल की टर्म्स में आपको मालूम है एच कितना, सॉरी एच अपॉन होता है रूट ऑफ 2m इंटू क्यू बी, जहां पे m तो है मास ऑफ दैट पार्टिकल और q है चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल और v यहां पे है बच्चों एक्सेलरेटेड पोटेंशियल ऑफ दैट पार्टिकल, एंड उस पार्टिकल को हमने कितने वोल्टेज से एक्सेलरेट किया वो है। आपके इस क्वेश्चन में चूंकि एच पहले से कॉन्स्टेंट है, टू बी कॉन्स्टेंट, एच भी कॉन्स्टेंट है बेटा, और यहाँ पे टू भी कॉन्स्टेंट है, और ये आपका वी भी कॉन्स्टेंट दे रखा है, साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के चार्ज वैसे मैग्नीट्यूड के लिहाज से बराबर हैं, और यहां तो अपन क्यू का मैग्नीट्यूड ही पुट करेंगे, तो चार्ज जैसे अपन कहते हैं क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू ऑफ प्रोटॉन, उनका जो मैग्नीट्यूड आप लेंगे दोनों बराबर हैं, और कितना आपका ई है, इसलिए ई को भी आप कॉन्स्टेंट मान सकते हो। तो ई के यानी चार्ज के कॉन्स्ट होने के पश्चात जो लेमडा है, लेमडा है प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट ऑफ मास, ये बना। अब आपको निकालना कि प्रोटॉन से रिलेटेड कितने इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो इसी को अपन ऐसे बदल लें, लेमडा रिलेटेड टू प्रोटॉन अपॉन लेमडा रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन इजिकल टू रूट ऑफ मास का तो इनवर्स में है ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू पुट कर दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना स्मॉल एम है और मास ऑफ प्रोटॉन आपको दे रखा है कैपिटल एम। तो अब इससे लेमडा पी आपको निकालनी है, लेमडा पी इज इक्वल टू हो गया ये रूट ऑफ स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू लेमडा इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी लेमडा। तो आपका आंसर है लेमडा पी इज इक्वल टू, लेमडा पी इक्वल टू एम बाई रूट एम, इसका रूट इंटू लेमडा। तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा भाई, ये लो सेकेंड, ठीक है कोई इश्यू नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं भाई। अब बढ़ते हैं आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ 3 kΩ इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट ऑफ एन एम्पलीफायर यूजिंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विद दिस। तो पहली बात तो इसमें आपका ट्रांजिस्टर वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे पहले देखें, और वो है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के रूप में। तो पहले उसकी फोटो बना लें, जैसे ये देखो ये हमारे पास कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला या उसका आपका डायग्राम बन गया, जिसमें आपको मालूम है कॉमन एमिटर में ये आपका कॉमन है तो इसको तो अपन मान लें एमिटर, यानी इसका ये तो बन गया आपका ई और ये बन गया आपका बेस बी और ये है इसका कलेक्टर सी। क्वेश्चन जब भी आपका आता है तो चूंकि जो इसका कॉमन वाला पार्ट है वो हमेशा ग्राउंडेड होता है, उसके बाद सी के साथ जो रेजिस्टेंस है मैं कुछ जोड़ता हूँ और बी के साथ भी एक रेजिस्टेंस जोड़ता हूँ, बेसिकली ये काम तो आते ही आते हैं। अब जो भी गिवन है उसको बहुत अच्छे से इसमें मेंशन कर दें, जैसे लोड रेजिस्टेंस ऑफ 3 kΩ इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट, कलेक्टर सर्किट ये वाला है और इसमें हमने 3 kΩ तो इसको मैं RC मान लेता हूं, तो 3 kΩ रेजिस्टेंस आपने यहां पर कनेक्ट किया हुआ है। एम्पलीफायर यूजिंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विद बीटा इक्वल टू 50, इसका बीटा हमारे पास है 50, समझे, एंड इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट यहां है और ये है 500 ओम, इसको मैं RB भी कह सकता हूं, इसको मैं R इनपुट भी कह सकता हूं, और ये मेरे पास है 500 ओम। यहां तक भी कोई समस्या नहीं है। इफ द इनपुट करंट इज चेंज्ड बाय 40 माइक्रो एम्पियर, जो इनपुट करंट है इसमें इसको अपन डेल्टा आई भी कह सकते हैं, डेल्टा आई भी, उसमें चेंज आपको दे रखा है 40 माइक्रो एम्पियर, तो आपसे पूछा है देन बाय व्हाट अमाउंट डज द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस, तो जो आउटपुट वोल्टेज है डेल्टा वी आउटपुट उसमें क्या चेंज होगा वो अपने को पता करना है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस हमको मालूम है तो डेल्टा वी आउटपुट कितना होगा, वैसे तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटू इसका करंट, यदि इसकी करंट है वो डेल्टा IC से बदल जाए तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो डेल्टा वी आउटपुट का चेंज आएगा ना। तो देखो आपको निकालना है डेल्टा वी आउटपुट, वो है कितना, यह है RC इंटू डेल्टा IC, RC इंटू डेल्टा IC हमको फाइंड करना है।
अब ये डेल्टा आई सी कैसे आएगा, ये बड़ा इश्यू है। तो किसी भी ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट का चेंज और इनपुट करंट का चेंज का रेशियो होता है, उसको हम कहते हैं करंट गेन। तो देखिएगा यहां डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, इसी में देखो ये बीटा वैसे है क्या, बीटा इज इक्वल टू यहां पे है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो इसे डेल्टा आई सी कितना, बीटा इंटू डेल्टा आई बी आ गया। तो इसमें देखो आर सी इंटू इसके स्थान को अपन किससे करें कंप्लीट, वो है बीटा इंटू डेल्टा आई बी। चलो अब वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो आर सी बताइए भाई, आर सी हमारे पास कितना था 3 किलो ओम, ये लो 3 किलो 3000 इंटू बीटा हमारे पास कितना था 50 और डेल्टा आई बी हमारे पास कितना है 40 माइक्रो एम्पियर। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर मोटे तौर पे देखूं तो 5 × 4 कितना हुआ 20 यानी 2, 3 × 2 कितना 6, तो इसमें फर्स्ट लेटर आपका 6 आएगा, यहाँ 3 है 4.5 है 6 है 9 है 6 आना है, समझे, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इधर, थोड़ा सा प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा, कहीं कोई इश्यू हो जाए छोटा मोटा वो देख लेना आप। बढ़ो आगे, तो ये आपका आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमसे क्या पूछा है वो देखें, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्वारों का अभिविन्यास किसके तुल्य है बताना है, इन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गेट्स इज इक्वलेंट टू, जो हमारे पास लॉज गेट है उनका एक बना रखा है अपने कॉन्फ़िगरेशन, वो किसको रिप्रेजेंट करता है वो आपको बताना है। तो देखें सबसे पहले यहां ए इनपुट है, तो ए से ए, बी से बी, और ये है ओर गेट, तो ओर गेट का आउटपुट हमें क्या मिलेगा यहां पर, वो मिल गया अपने को ए प्लस बी या ए और बी, ये ओरिंग करेगा। सेकंड, ये ए से वापस ए आ गया और बी से यहां पर बी है, ये है पहले आपका एंड गेट, तो यहां आपको मिला ए बी, ये है नॉट गेट, तो जो ए बी इसमें इनपुट जाएगा उसका आउटपुट हमको मिल गया ए बी का बार, सही है। अब ये ए प्लस बी और ए बी का बार, ये दोनों इसमें इनपुट है और ये आपका एंड गेट है, तो y हमको क्या मिलेगा, y मिला देखो हमारे पास ए बी डॉट ए बी का बार, इसको सॉल्व करके हमको आंसर है वो बताना है। तो देखें यदि इसको अपन ऐसे करें a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, अब ए बी का बार है तो डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार इसको अपन कैसे लिखेंगे, a बार ये डॉट है तो उसको दो प्लस और ये b बार, ए बी का बार था तो इसको अपन ने ब्रेक कर दिया डी मॉर्गन थ्योरम से, तो ए बार प्लस बी बार आ गया। अब अगर मैं देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बना ए ए बार। अभी ध्यान होना चाहिए कि ए ए बार या ए बी बार वो जीरो होता है हमेशा, तो अगर मैं ए इंटू ए बार करता हूँ तो जीरो हो गया, तो क्या बचा ए इंटू ए बार, ए इंटू बी बार आ गया, तो फर्स्ट वाले में दो से मल्टीप्लाई किया परंतु ए ए बार, चलो लिख दो एक बार, ए बार प्लस ये आपका है ए बी बार प्लस बी को गुणा करो इसको, तो b को भी आप इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो b a बार आया, पहले तो है b a बार और प्लस है b b बार, b b बार, जिसमें a a बार जीरो हो चुका, b b बार भी जीरो हो चुका, बची वैल्यू हमारे पास ये आई जिसमें है a ये b बार प्लस ये b आपका है a बार, और ये जो आउटपुट होता है ये फिक्स होता है और किसका होता है वो आप ध्यान कर लें, वो होता है एक्सक्लूसिव और गेट का, इसलिए इसका आंसर आपका थर्ड बन जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन है सी जी स्क्वायर अपॉन 4π ε₀, ये कुछ वैल्यू हमारे पास, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जी है हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट और ई स्क्वायर बाई 4π ε₀ में ई है चार्ज, ये कुछ दे रखे हैं अपने को वैल्यू, से बनने वाली एक कोई भौतिक राशि है जिसकी विमाएं वही है जो लंबाई के तुल्य हैं, यानी इनसे कोई राशि बनानी है और उस राशि की डायमेंशन लंबाई के तुल्य है, तो वो राशि क्या है, इनकी टर्म्स में क्या है वो आपको बतानी है, यानी इनसे राशि बनेगी जो लंबाई के तुल्य है। तो या तो आप क्या करो कि इसको मान लो आप x, इसको मान लो y, इसको मान लो z, मान लिया,
और इन तीनों को ऐसे मानने के पश्चात, क्योंकि आपको नई राशि बनानी है, मैं उसको पी मान लेता हूँ, और पी राशि है वो कैसी है, एक्स वाई और जेड पे डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर कितनी, ए बी सी बन गई। अब इसकी पी की लिखें डायमेंशन, और एक्स की लिखें, वाई की लिखें, जेड की लिखें, फिर उसको कंपेयर करें, कंपेयर करके आप ए बी सी फाइंड करके, और फिर पुनः इसमें यहाँ लिख करके, और चूंकि पी यहाँ पे लंबाई है जिसकी डायमेंशन हमारे पास फिक्स है कितनी, एम जीरो एल वन टी जीरो, उसकी हेल्प से पहले इसको सॉल्व कर लो और आप आंसर निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एक और देखो क्या है, उस पर ध्यान देने। जैसे हमारे पास ये कोई एक, मान लीजिएगा एक कोई स्फीयर है ना, और इस स्फीयर को हमने चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू, या कैपिटल क्यू नहीं, मैं इस रूप में लेना हो तो इसको मैं यूं कर दूं, देखो इसको चार्ज मैंने ई दे रखा है और आर इसकी रेडियस है। दूसरा मान लो एक स्फीयर और है जिसकी भी आर रेडियस है और इसका मास है कैपिटल एम और ये सॉलिड है, सॉलिड नहीं, इसको मैं होलो मान लेता हूं, या कुछ मान लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, अपना काम इसमें हो जाएगा। जो मैंने इसको मान लिया होलो, मान लिया क्या मान लिया इसको बेटा जी, होलो मान लिया, होलो है ये, तो आर इसकी रेडियस है, मास इसका कैपिटल एम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यदि इसकी आर रेडियस है, इसका ई चार्ज है, तो इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है, इसकी स्टोर्ड एनर्जी हम लोग लिखते हैं, तो आपको ध्यान हो तो वो होती है के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर, और इस तरह से इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो होती है जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर। इनकी ऊर्जाएं हैं, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है ना। तो एनर्जी को एनर्जी से डायमेंशन के संदर्भ में आप इक्वेट कर सकते हो, और एनर्जी के रूप में और भी हमारे पास फॉर्मूले आ सकते हैं। तो मैं यहां पे एनर्जी के दो फॉर्मूले आपको बता चुका हूं, अब मैं इन सबको शामिल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखो तो ध्यान दें इसमें, एक तो यहां है इस क्यू को मैं कर रहा हूं ई, देखो ई स्क्वायर अपॉन, ये है के को लिख रहा हूं, तो के कितना आएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आपके पास है टू आर इज इक्वल टू, जहां पर देखो इस फोर पाई का कुछ बटना नहीं है, टू का यहां पे कुछ बटना नहीं है, आर है वो रेडियस है, और डायमेंशन के संदर्भ में इसको अपन लंबाई, त्रिज्या को अपन लंबाई से रिप्लेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू, एक हम पढ़ते हैं एम इंटू सी स्क्वायर, एम तो मास है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसको भी इंट्रोड्यूस करना है इसलिए ले रहा हूं, इज इक्वल टू यहां देखो जी एम स्क्वायर, जी और मास को मैं एम मान लेता हूं, एम स्क्वायर अपॉन टू आर, टू का कोई मतलब है नहीं और आर है त्रिज्या, और त्रिज्या को अपन लंबाई का प्रकार मान सकते हैं, तो इसको भी मैं एल लिख रहा हूं, चलेगा, क्योंकि हमारे को ई भी दे रखा है, लंबाई हम लोगों को डायमेंशन ग्रुप में बतानी है, ये एम इंटू सी स्क्वायर हो गया और ये आपके पास है जी एम स्क्वायर बाई एल। अब इंक से हमको फाइंड करना है लंबाई किसके तुल्य आएगी, तो अगर मैं देखो सबसे पहले इन दोनों को काम में लूं, या इन दोनों के बजाय देखो यदि इसको ही काम में लूं और इसकी सहायता से मैं यहां से देखो इन दोनों को इसके बराबर इसको रख दूं, और इसकी बराबर इसको रखने के पश्चात अपन सोल्व करेंगे, तो एम से एक एम, एम से एक एम आपका कट गया, और उससे अगर मैं एम की वैल्यू फाइंड करता हूं तो ये एम मेरे पास कितना देखो आया, एल इंटू सी स्क्वायर अपॉन जी आ गया, एल इंटू सी स्क्वायर अपॉन जी आ गया, ये बात क्लियर है। अब सुनो एम का हमको वैल्यू मिल चुका है, मुझे सी को, अब देखो इस एम में जी आ चुका है, सी आ चुका है, और अगर मैं इसको काम में लू देखो इस कितने भाग को, यानी ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बराबर एम इंटू सी स्क्वायर, इसमें एम की वैल्यू पुट करो, देखो वापस देखो एक बार, ये मेरे पास है ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बराबर एम एम इंटू सी स्क्वायर है ना, एम इंटू सी स्क्वायर, एम कितना है ये देखो, तो मैं इसको लिख रहा हूं एल इंटू सी स्क्वायर अपॉन जी, एम के स्थान पर लिख दिया इंटू सी स्क्वायर, ये इसकी तो वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करते हुए हमको लंबाई फाइंड करनी है, तो इस एल को अपन यहां ले आए, या इस L को अपन यहाँ ले लें, तो L स्क्वायर आ गया, बाकी सबको अपन सॉल्व कर दें, तो अगर ये सब इधर आ चुके हैं तो ध्यान दो
कि एल स्क्वायर, यहां देखो ये एल स्क्वायर आ गया, अब ये सी का स्क्वायर, स्क्वायर कितना, सी की पावर 4 नीचे आएगी, जी ऊपर चला गया, तो जी इंटू ई स्क्वायर अपॉन ये है एप्सिलॉन नॉट और सी की पावर हो चुकी है बच्चों 4। अब एल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो एल की वैल्यू हमको जब चेक करनी है तो एल हमारे पास कितना, इसका रूट कर देंगे और उस रूट में देखो ई तो आप बाहर ले सकते हो और सी नीचे कितना, सी 1/c² आ जाएगा और रूट के साथ अगर लिखें अपन तो ये है ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ही है, सी अपन ने बाहर ले लिया है, जी भी आपका अंदर है और 4π, क्योंकि हमको ई स्क्वायर अपॉन 4π के साथ लिखना था तो 4π को वापिस आप लगा भी सकते हो, तो एल का वैल्यू मेरे पास है 1/c² जी ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4π। बात क्लियर? तो देखो इसका जो आंसर हम लोग देख पाएंगे तो 1/c² जी इंटू ई स्क्वायर और 4π एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2, इस रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2, इसका आंसर आपका 4th हो जाएगा। बढ़े आगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, ये तरीका आपका जो आप फॉलो करते हो वो तो है ही है, पर ये तरीका इससे भी आप इसको आराम से समझ सकते हो, साथ में कुछ फॉर्मूले भी मैंने आपको सिखाए वो भी आपके काम में आ सकते हैं। बढ़े आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है ए 30 kg ब्लॉक रेस्ट्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फोर्स ऑफ 20 N इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, द ब्लॉक एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 4 m/s स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन 2 seconds, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 30 kg का एक ब्लॉक है, मान लो ये कोई 30 kg का ब्लॉक है, मास इसका है m इक्वल टू 30 kg और रफ सरफेस पर रखा गया और इस पे अपन ने 200 N का कोई फोर्स लगा दिया, तो कह रहा कि ब्लॉक पहले रेस्ट में है तो इसकी स्पीड है इनिशियल, कितनी स्पीड है इसकी इनिशियल, u इक्वल टू है 0। तो रेस्ट से शुरू करता है और 2 सेकंड में 4 m/s की स्पीड प्राप्त कर लेता है, तो पहले इसकी स्पीड 0 थी और ये मोशन करते करते जब यहां पहुंचा तो इसकी v हो चुकी है 4 m/s, v हो चुकी है इसकी 4 m/s हो गई और कितना समय लगा वो है 2 सेकंड। तो अगर हमारे पास u 0 है, v इतना है और इसमें t आपको मालूम हो चुका, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, a बराबर होता है v माइनस का u अपॉन t, तो 4 - 0/2 दैट इज 2 m/s², ये इसका एक्सेलरेशन है, आपको a मिल चुका है। अब ये कह रहा है कि तो इस स्थिति में इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो देखो जब ये सरफेस आपकी फ्रिक्शन फुल है तो इस पे पीछे जो फोर्स लग रहा है वो है कितना, म्यू एन, और एन कितना है, एन हमारे पास है ओनली mg, तो म्यू mg भाई। तो अब देखो इस पे बाहर से फोर्स आपने कितना अप्लाई किया है, एफ जो है 200 N और अपोजिंग फोर्स लग रहा है म्यू mg, उसके बाद भी इसका एक्सेलरेशन कितना हमारे पास है, तो आपको मालूम है ए वैसे है कितना, एफ माइनस कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका है म्यू एस और एम इंटू जी अपॉन कितना कैपिटल एम, और ए हमने फाइंड कर लिया है, इससे आपको ओनली म्यू एस फाइंड करना है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो एफ माइनस म्यू एस एम इंटू जी इज इक्वल टू हो गया कैपिटल एम इंटू ए। अब इससे सॉल्व करेंगे तो आसानी से देखो एम भी दे रखा है सब, ए हमारे पास कितना 2 है, तो चलो वैल्यू पुट करता हूं, एम कितना था 30, 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, तो म्यू एस एम जी इसको अपन ले जाएं उस तरफ 60 लाइन इस तरफ, तो ध्यान दें म्यू एस एम इंटू जी की वैल्यू आपको मिल गई 200 माइनस का 60 यानी हो गया 140, और इससे मैं एम जी से भाग दें तो एम मेरे पास कितना है 30 × 10 तो गया आपका 300, तो 140 अपॉन कितना 300, इसको उड़ा दो इससे, 3 से इसको ओपन करेंगे डिवाइड, तो ये हो गया 0.4 से कुछ ज़्यादा, तो ये लो इसका आंसर आपका 3rd आ जाएगा। तो ए आपको पहले वेलोसिटी टर्म में दे दिया
और फिर हमने फोर्स की टर्म में निकाल लिया, दोनों आपस में कैसे इक्वल हैं, और इक्वल करते हैं आपके पास इसका म्यू ऐसा वो आ जाएगा। बढ़ो आगे, तो नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, यदि अर्थ इफ द अर्थ रोटेट्स फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल, अगर अर्थ अपनी जो प्रेजेंट स्पीड है उसकी तुलना में थोड़ा सा तेज चलना शुरू कर दे, तेज घूमना शुरू कर दे, तो किसी वस्तु का जो वेट है वो कितना हो जाएगा। तो आपको मालूम है इसमें देखो कि जो पृथ्वी होती है ना, अर्थ होती है, मान लो अर्थ इस तरह से रोटेट कर रही है, तो इसके इक्वेटर से किसी पॉइंट पी पर जो कोई मास स्मॉल एम है, जो कि यहां से लैम्डा एंगल पे है, तो इस स्मॉल एम का जो इफेक्टिव वेट होता है, या इस पॉइंट पे जो आपका इफेक्टिव आपका जी होता है, तो जी हम लोग पढ़ते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कोस स्क्वायर लैम्डा। ये तो बनेगा जी आपका कॉन्स्टेंट है। तो अब ये अगर ये घूमना तेज करता है, इसका मतलब ओमेगा आपने इंक्रीज किया, तो इस ओमेगा के इंक्रीज होने पे, इस आर सब कांस्टेंट है, इसके इंक्रीज होने पे जो वैल्यू आप घटा रहे हो बढ़ गई, अब घटाने वाली या डिक्रीजिंग वैल्यू जब बढ़ गई है, अधिक घटेगा, अधिक घटने पे जी का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस कारण से वेट भी, जिसका इफेक्टिव वेट अपन लिखे हैं डब्ल्यू डैश, वो आपका है एम इंटू जी डैश, तो जी डैश के घटने के कारण इसका इफेक्टिव वेट भी घट जाएगा। बात क्लियर? तो देखो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, पर इसका इफेक्ट ओनली कहां रहता है, लैम्डा अगर मैं यहां ले जाऊं पोल्स पे, पोल्स पे कोस 90 से कोई इफेक्ट नहीं है, तो पोल्स पे जी या इफेक्टिव वेट कांस्टेंट रहता है, जबकि इक्वेटर पे मैक्सिमम इफेक्ट होता है, और वो लगातार ओमेगा के इंक्रीज होने पे डिक्रीज ही होता है। तो क्वेश्चन इसमें समझ में आ गया, आंसर अब हम ठीक करते हैं। तो क्या देखो कि विषुवत रेखा पर एफ परिवर्तित रहेगा किंतु ध्रुवों पे कम हो जाए, गलत है, विषुवत रेखा पे कम हो जाए किंतु ध्रुवों पर एफ परिवर्तित रहेगा, मीन्स डिक्रीज एट द इक्वेटर बट रिमेंस अनचेंज्ड एट द पोल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर, तो देखिए बिल्कुल बैलेंस करना है, ओनली फोर्सेस को बैलेंस करना है। क्वेश्चन देखो, ए लॉग ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर विद 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबाउ द सरफेस, लकड़ी का एक लट्ठा कोई वो पानी पे इस प्रकार से तैर रहा है कि इसका 1/4 आयतन या वॉल्यूम है वो पानी की सरफेस से बाहर है, तो लकड़ी का घनत्व क्या है, डेंसिटी ऑफ वुड वो आपसे पूछी गई है। तो पहले सिंपल सा इसको समझो कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक लकड़ी का कोई लट्ठा है, इसको मान लो आप ये लकड़ी का लट्ठा है कोई 3D मान लेते हैं, ये लो, और इसका वॉल्यूम है कैपिटल वी, इसका वॉल्यूम कैपिटल वी है, समझे। अब क्या कर रखा है, जब इसको पानी में डुबोते हैं तो इसका 1/4 वॉल्यूम वो है इससे आउट, तो मान लो इस कंडीशन में है जिसमें इस पूरे का वॉल्यूम कैपिटल वी है, तो जो बाहर का वॉल्यूम है ये वाला वो है बेटा आपको दे रखा है वी बाय 4, तो इसका कितना पार्ट इसमें इमर्ज हो चुका है, वो इमर्जिंग वॉल्यूम है वो कौन सा भाई, डुबा जो वॉल्यूम है वो कितना है, पूरे वी में से वी बाय 4 अपन कम करें तो कितना 3V/4, और इस खुद का पूरे का वॉल्यूम कितना है वो ध्यान दें वी है। अब डेंसिटी देखो कि जो बॉडी है इसकी डेंसिटी में करूं रो बॉडी, और ये जो लिक्विड है इसका है रो लिक्विड, जो कि वाटर है तो रो वाटर कर दूं, तो जैसे अपन इस बॉडी को इस लिक्विड में वाटर में अगर ड्रॉप करते हैं छोड़ते हैं तो क्या करेगा, ये जितना डूबा है उतना खुद के, जितना इसका वॉल्यूम डूबा हुआ है उतने वॉल्यूम के बराबर पानी को इसने हटाया है। तो अब देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पे नीचे फोर्स लग रहा है इसका खुद का वेट, इसको मान रहा हूं मैं एम जी,
और जितना इसने लिक्विड हटाया है उसके कारण उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसको मैं कह रहा हूं एम डेस इंटू जी। अब चूंकि तैर रहा है, बैलेंस केस में है, तो एम डेस जी और एम जी आपस में बराबर हैं, उससे जी आपका जिससे कैंसिल हो गया, तो निश्चित रूप से इसके बैलेंस केस में आपको ये बात पता लग गई कि एम डेस और एम आपस में बराबर है। एम डेस यहां पर है मास ऑफ रिप्लेस्ड लिक्विड और एम है मास ऑफ वुडन ब्लॉक। तो देखें अब ये मास जो है एम डेस वो तो रिमूव्ड का है, तो रिमूव्ड का मतलब रो इनटू, मैं इसको भी लिख रहा हूं, इसको भी रो इनटू भी लिख रहा हूं, ये रो किसका, रिमूव्ड लिक्विड का, तो रो वाटर, रो वाटर। और वी जितना इस ब्लॉक ये हटाया गया वॉल्यूम है, कितना हटाया, जितना ये इमर्ज हो चुका, तो वी इस वी के स्थान पर जो है ना आप क्या लिखो, देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वी के स्थान पर अपन क्या लिखने वाले हैं, तो रो वाटर इंटू कितना, 3V/4 इज इक्वल टू रो ब्लॉक, रो ब्लॉक इंटू वी, वी बॉडी का वॉल्यूम, इसका मास कितना है, इसमें जो एम जी बटन ये तो है रो बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी है, और वॉल्यूम ऑफ बॉडी तो कितना आपका वी है, तो मैं इसको वी से रिप्लेस कर दूंगा। अब सुनो जी, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो इस केस में वी से भी आपका कैंसिल हो गया, रो बॉडी कितना 3/4 इंटू रो वाटर, तो रो बॉडी इज इक्वल टू है 3/4 इंटू रो वाटर, और 3/4 का मतलब है 0.75 इंटू रो वाटर है कितना 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 750 केजी पर मीटर क्यूब, राइट आंसर आपका हो जाएगा 750 केजी पर मीटर क्यूब, 750 केजी मीटर केजी पर मीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। और वैसे 0.75 ग्राम पर सीसी, 0.75 ग्राम पर सीसी भी इसका सही आंसर होता, पर वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका सेकंड ही होगा। बढ़ो आगे, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स गामा ऑफ गैस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ विल बी, ये तो बेसिक क्वेश्चन आपका सिंपल, तो आप जानते हैं गामा इज इक्वल टू होता है क्या है 1+2/f, ये फिक्स होता है, ये आप ये याद रहता है बेसिकली, और इससे हमको f है वो फाइंड करना है, तो अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊं तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना 2/f, और इससे f निकालते हैं इसको उल्टा कर दें, तो f by 2 इज इक्वल टू हो गया 1/γ-1 और f कितना हुआ 2/γ-1, इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपका रेडी है, देखो इसमें है कि ये चार क्वेश्चन सिंपल आप पढ़ लेंगे, सिंपल देखो चार हमारे पास रोड हैं, चार रोड कैसे आइडेंटिकल हैं, जहां इसका दे रखा है रेजिस्टेंस सॉरी टेम्परेचर 0°, 30, 60 और 90, ऐसे क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हो ना, तो इसका बहुत सुंदर तरीका ये रहता है कि देखो ये रोड सब आपस में आइडेंटिकल हैं, जब आइडेंटिकल हैं तो इनकी रेजिस्टेंस कैसे हैं, आपस बराबर हैं, ये लो आर आर और आर है, जब सबके रेजिस्टेंस बराबर हैं और इस जंक्शन का आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, तो मैं इसको मान लेता हूं टी नोट, वो आपको पता करना है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हो कि हमारे पास यहां वोल्टेज V1 हो, R1 हो, V2 हो, R2 हो, V3 हो, R3, V4, R4, उस केस में इसका पोटेंशियल कितना होता है, तो जो फॉर्मूला उसका होता है वो आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो टेम्परेचर के केसेस में भी। तो देखो ये टी नोट का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है कैसे, देखो वो होता है T1 by R1 प्लस T2 by R2 प्लस T3 by R3 अपॉन T4 by R4 अपॉन, देखो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ये T1 by R1 प्लस T2 by R2 प्लस T3 by R3 प्लस T4 by R4 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये इसका फॉर्मूला होता है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट करें, देखो जैसे सबसे पहले 0/R 0 हो गया, प्लस ये कितना मेरे पास 30/R प्लस कितना ये देखो 60/R ये लो 60/R प्लस कितना 90/R बिल्कुल 90/R कोई समस्या नहीं है। फिर देखो नीचे कितना है 1/R सब R बराबर ही है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इसका मतलब हो गया 4/R
अब देखो इसमें इसमें सब में वन अपॉन आर तो कॉमन लेके हटा दो, तो इसका इसका वन अपॉन आर कॉमन लिया, इसका पहले से वन अपॉन आर है, इसका वन अपॉन आर, इसका वन अपॉन आर से कॉमन लेने से कैंसिल, तो अब वैल्यू हमारे पास कितनी ओनली इसमें 30 प्लस 60 प्लस 90, तो 90 प्लस 60 हुआ 150, 150 प्लस 30 कितनी हुआ 180, 180, 180 अपॉन कितना 4, 180 का हाफ 90, उसका हाफ 45, तो इसका सही आंसर आपका है थर्ड, दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है अभी ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है कि दो हमारे पास कुछ एस सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें दे रखा है इसका फर्स्ट का एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी दे रखा है एम्पलीट्यूड ए, और आपसे पूछा है कि इन दोनों के सुपर इम्पोज से ऐसी कोई वेव बन रही जिसका सेम टाइम पीरियड है बट सेम एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड ए, ए की दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करके एम्पलीट्यूड ए बना रही है, वो तो 120 डिग्री पर ही होता है, 120 डिग्री पर ही होता है, फिक्स है वो, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाता है 120। देखिए वैसे आप वेक्टर पढ़ते हो तो वहीं भी आती है बात, ये वेक्टर पढ़ते हो तो भी ये बात आती है, ए ही बना है, और वैसे अगर सेम इसके एम्पलीट्यूड है तो आप जो इसका निकालते हो ए आर 2a cos 5 by 2, 2a cos बिल्कुल सुपर इम्पोज करना है, तो अगर इसको ऐसे पने क्या, और ये बोला है कि इसका ए आर रिजल्टेंट कितना ए ही है, तो 2a और ये आपका cos 5 by 2, a से आपका a कट गया तो ये हो गया 1 by 2 और इक्वल टू कितना cos 5 by 2, जब cos 5 by 2 मेरे पास 1 by 2 है तो cos 5 by 2 से अपन निकालते हैं 5 by 2 तो कितना 60 आ गया ना, तो 5 कितना 60 into 2 यानी 120 डिग्री इसका आंसर आ जाता है। तो वेक्टर से तो ओनली थ्योरेटिकली बिना पेन की क्वेश्चन आपका माइंड से हो जाता था, और लिखना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, और इसकी इंटेंसिटी अपन ने पीछे काम ली थी तो वो थी हमारे पास आई आर इक्वल टू 4 आई नॉट कोस स्क्वायर 5 बाई 2, इंटेंसिटी रूप में क्वेश्चन होता ये बन जाता है, इधर रखा था एम्पलीट्यूड के रूप में तो ये बन गया। बड़े आगे आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में, देखो अगला क्वेश्चन है किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस इक्वेशन में, देखो ये पीछे अपन क्वेश्चन बात करते हैं ना कि वेव वेलोसिटी और कौन सा पार्टिकल वेलोसिटी, यहां आपको ये मालूम हो जाएगी, तो यहां देखो पूछा आपसे कि देखो इन इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय दिस वाई इक्वल टू दिस है, वेर एक्स एंड वाई आर इन मीटर कोई इश्यू नहीं है, एंड टी इन सेकेंड फिर कोई इश्यू नहीं है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी इज, तो यहां दोनों आपसे पूछ ली क्या, पहले है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो भी कौन सी मैक्सिमम, वी पार्टिकल मैक्सिमम अपॉन वी वेव, इनका रेशियो हमसे पूछा है, तो वी पार्टिकल मैक्सिमम होता है ए ओमेगा, और वी वेव ये अपन आपको सिखा रहे थे, तो इससे आपको निकालनी एक्स अपॉन टी, ये बेटा जी एक्स अपॉन टी है, तो देखिए इसमें ए कितना हमारे पास, ए तो है 3, येलो साहब 3 इंटू ओमेगा, तो पाई बाई 2 इंटू 50 है, तो ये साथ में इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू बचेगी ना वही तो आपको ओमेगा ना, तो पाई बाई 2 इंटू 50 यानी इसको उड़ाऊं तो 25 पाई 25 पाई ये इसका है ओमेगा एक्स अपॉन टी, तो अपने इसकी अभी निकालते वेलोसिटी तो मैंने कहा था इसको जीरो कर दिया करो, तो 50t माइनस का एक्स, 50t माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, अब इस एक्स को उधर ले जाऊं एक्स अपॉन टी कितना 50 आ गया, तो एक्स अपॉन टी वो हमारे पास है 50, और यही क्या बेटा जी वी एक्स यानी वी वेलोसिटी ऑफ वेव है, तो आपको इसका आंसर मिला कितना 50, उड़ाऊं उसको तो ये हो गया 2, तो आपके पास है 3 बाई 2 पाई राइट आंसर, जो कि फोर्थ बन जाएगा। क्लियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक तने हुए तार की लंबाई इतनी है, इसे तीन भागों में बांटा जाता है जिसकी आवृत्तियों का अनुपात है 1, 2, 3, तो उनकी लंबाइयों का रेशियो लंबाई कितनी होगी वो आपको बतानी है, तो सोनोमीटर में अपन जब पढ़ते हैं वेव फॉर्मेशन तो आप वहां पढ़ते हो n इज इक्वल टू पी बाई 2l और रूट टी बाई स्मॉल m, तो यहाँ स्मॉल n जो है जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इसकी लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लंबाई क्या हो गया 1 अपॉन n, अब कह रहा कि इसको अपन तीन टुकड़ों में तोड़ें, जैसे हमारे पास कोई तार था एक लंबा, उस लंबे तार को अपने तीन टुकड़ों में तोड़ दिया, ऐसे ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेगमेंट सेकंड है, थर्ड है,
इसकी लेंथ L1 है, ये लेंथ L2, ये L3, इसकी फ्रीक्वेंसी N1, N2 और ये N3, ये आपको दे रखा है। तो हमको फ्रीक्वेंसी का रेशो दे रखा है और लंबाई आपसे पूछ जा रही है, तो इसे देखो आप, लेंथ का अपन देखें रेशियो, तो L1 रेशियो L2 रेशियो L3 कितना होगा, 1 अपॉन N1 रेशियो 1 अपॉन N2 रेशियो 1 अपॉन N3, N1 N2 N3 आपको दे रखे हैं कितने, 1 2 3, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो और इसको मैं 6 से कर दो मल्टीप्लाई, तो देखो 6 से मल्टीप्लाई करते हो गया 6 रेशियो 3 रेशियो 2। अब इसको सोल्व करके अपन L1 निकाले, L1 रेशियो 6 आ गया, तो L1 हमारे पास कितनी आई, 6 अपॉन सम ऑफ रेशियो 6 3 9 प्लस 2 कितना 11 इनटू टोटल लेंथ, तो वह है 110। यानी कुल लंबाई को अब हमको 6 अनुपात 3 अनुपात 2 में एंड टोटल लेंथ को अपने को 632 में रेशियो में डिवाइड करना है, इसे उड़ाऊं तो मेरे पास है 10, 10 इंटू 6 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर इसका है 60 सेंटीमीटर, तो इन दो में से कोई एक हो सकता है, तो अब एक और निकालना पड़ेगा, यहाँ जो 32 का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अब इसे निकालते हैं अपन कौन सा, 3 बार से, तो 3 अपॉन 11 इंटू दिस, 3 अपॉन 11 इंटू दिस, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, तो 30 आ गया, फिर कितना 20 आएगा, इसका सेकेंड आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ो आगे, तो देखें अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ए 2 वोल्ट बैटरी, जैसे ये को बैटरी है 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट बैटरी, ए 15 ओम रेजिस्टर, ये कोई रेजिस्टर है 15 ओम, एंड ए पोटेंशियोमीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ, येलो साहब ये कोई पोटेंशियोमीटर है ए बी, और इस ए बी की लेंथ है देखा अपने को 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 5 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस भी जो अपन आर लेते हैं वो दे रखा है हम लोगों को 5 ओम, तो अब आपसे पूछा है देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर विल बी, तो इस पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी है वो आपको पूछी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेडियंट जो ना 5 वो होता है एक्चुअली वी ए बी अपॉन एल, जो हमारे पास ये ए बी वायर है इस ए बी वायर की पर यूनिट लेंथ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो वी ए बी क्या है, इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, यदि इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसका रेजिस्टेंस ए से बी का मान लो आपके पास आर ए बी जिसको आप ले रहे हो, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना टोटल है वो है वी ए बी, इसका वैल्यू है कितना आई इंटू आर, आर कौन सा ए बी अपॉन एल, अब आई कितनी होगी, तो देखो एक वोल्टेज 2 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस 15 और ये 5 टोटल 20 ओम हो गया, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, देखो ये आई, आई आप निकाल दो, 2 अपॉन कितना 15 प्लस 5 यानी 20 हो गया, तो देखो सी क्रॉस सॉल्व, आई हमारे पास है 2 अपॉन 20 इंटू आर ए बी, इसका रेजिस्टेंस कितना था मेरे पास 5 ओम, और लंबाई चूंकि ऑप्शन सारे पर सेंटीमीटर में है, वोल्ट पर सेंटीमीटर में है, तो लंबाई को सेंटीमीटर में ही छोड़ दो, अब देखो इसको 2 से उड़ा दूं तो ये आपका 10 रह गया, 5 अपॉन कितना 1000 है, तो उसको अपन ले जाएंगे ऊपर, तो या तो गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 और माइनस 3 को अगर इसी में अपन इंक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.005 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है भाई, इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है वोल्ट का वी का टाइम के साथ आप ग्राफ दे रखा है और पूछा है टी इसका टाइम पीरियड है, तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू कितना है, ए पीरियोडिक वोल्टेज वी वेरीज विद टाइम टी एज शोन इन फिगर, टी कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज, तो ध्यान दो ये ग्राफ तो इस तरह से यहां से यूं है, इस तरह से ये टी बाई फोर है, यहां पे टी है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है देखो, इस फर्स्ट पार्ट का जो आरएमएस वैल्यू है वो तो वी नोट है कांस्टेंट है, सॉरी इसका एवरेज वैल्यू, इसका एवरेज वैल्यू और इसका आरएमएस सेम ही होता है, स्क्वायर वेलोसिटी, जो स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म के रूप में जो आपके पास जो आपका वोल्टेज होता है या करंट होता है उसका एवरेज वैल्यू तो इसकी पीक वैल्यू के बराबर होता है, वो वी नॉट है, और इसमें तो वैल्यू है ही नहीं, तो इसका एवरेज कितना है 0। अब देखो और इसका जो टाइम है फर्स्ट वाले का टाइम टी वन, उसको देखो वो है कितना टी बाई फोर,
और जो यहां से यहां तक का समय इसको मैं टी टू मान रहा हूं, कैपिटल टी में से टी बाई टू ओपन कर दे माइनस, तो थ्री टी बाई फोर आ गया। और पूरे साइकिल का टोटल टाइम कितना है, वो कैपिटल टी है। तो इसका आरएमएस अपन निकालते हैं, उसका तो फॉर्मूला क्या होता है, उसका तरीका होता है कि फर्स्ट पार्ट का एवरेज कितना है वी नॉट, इसका स्क्वायर इंटू इसका टाइम कितना देखो टी बाई फोर, प्लस सेकेंड का एवरेज कितना जीरो का स्क्वायर इंटू इसका टाइम कितना है थ्री टी बाई फोर अपॉन टोटल टाइम टी। और इसका ये तो है वर्ग माध्य, और इसका रूट कर दूं, रूट करने से हमको इसका आरएमएस वेलोसिटी आरएमएस इसकी हमको वोल्टेज मिल जाएगी। अब देखो इसमें तो खत्म हो चुका ना, अब वी स्क्वायर इंटू टी बाई फोर में से टी बाई टी सी कैंसिल हो गया, तो वी नोट का स्क्वायर अपॉन फोर रह गया हमारे पास, रह गया अभी वी नोट का स्क्वायर अपॉन फोर इसका रूट। वी नोट स्क्वायर का कितना हुआ वी नोट, और रूट ऑफ फोर कितना आ जाएगा टू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो है सेकेंड, और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक एसी सोर्स एसी सर्किट में द पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट इज जीरो इफ द सर्किट इज, ये कह रहा है कि एसी परिपथ में जो वेव शक्ति है वो शून्य है, तो उसमें जो एलिमेंट है सर्किट में कौन है, तो आप जानते हो पावर फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर का जीरो होता है, और उनकी प्रेजेंस में ही या तो ओनली एल या ओनली सी या बोथ, उसकी कंडीशन में हमेशा क्या उसका पावर लॉस है वो जीरो होता है। तो या तो प्योर आपका एल है या प्योर कौन सा आपका कैपेसिटेंस है, दोनों में से कोई एक सा हो सकता है, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटेंस यहां पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक कोई पॉइंट सोर्स है, देखो ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकस फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर द इमेज विल फॉर्म एट। बहुत क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा, देखो यहां बस क्वेश्चन को पढ़ते पहले ये देखो कि क्वेश्चन लेंस का है कि दर्पण का है या मिरर का है। तो इसके दो फॉर्मूले जो अपन निकालते हैं ना फोकस लेंथ के, एक होता है 1/f = 1/v प्लस माइनस का 1/u। ये दर्पण यानी मिरर अथवा लेंस भी दोनों के लिए किसी के लिए फॉर्मूला है। अब इसमें याद रखना हो तो देखो दर्पण में पैसे पॉजिटिव प्लस का है तो दर्पण के लिए, और अपन पढ़ते हैं लेंस तो बीच में यहां तो पै था, यहां लेंस में एन है नेगेटिव एन से माइनस, तो दर्पण वाले में तो प्लस आएगा और लेंस में क्या आएगा माइनस। ये तय करने के पश्चात आपको मालूम हो चुका कि लेंस में तो माइनस, अभी लेंस में तो माइनस है। अब मुझे इसमें 1/v निकालना है, तो इसको मैं इधर ले आता हूं, तो 1/f + 1/u एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों v हमारे पास आएगा u(f/u+f), और यही होता है अगर दर्पण के लिए मिरर के लिए, यहां नीचे आता माइनस। ये तय कर लिया, अब इसमें आपको v है वो फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को फिर समझते हैं, दर्पण कौन सा हमारे पास है, देखो कॉन्वेक्स ऐसा, अब दे रखा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो इससे 30 सेंटीमीटर यानी यहां रखा है मान लो ऐसे, और पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है तो ये लो यहां रखा है, इसकी डिस्टेंस दे रखी है अपने को कितनी 30 सेंटीमीटर, और इसके पोल से डिस्टेंस आप माप रहे हो इस तरफ, तो ये आपके पास आ गया u = -30 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस लेंथ इसके r होने पर ये फोकस लेंथ आपकी होती है, और फोकस लेंथ होती है इसकी कैसी लाइट की तरफ तो प्लस, तो इसका u तो है आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर और इसका f है प्लस का 30 सेंटीमीटर। कौन केव होता तो इसकी फोकस लेंथ इसी तरफ होती नेगेटिव होती, परंतु तो ये कैसी है जिस तरफ लाइट ट्रेवल कर रही उसकी दिशा में आपकी डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव होती है, और लाइट की दिशा के ठीक अपोजिट डिस्टेंस है वो हमेशा कैसे होता है नेगेटिव, और सर डिस्टेंस अपन मापते कहाँ से, इस पोल से मापते हैं है ना, पोल से डिस्टेंस अपन मापते हैं भाई, तो डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव आ गई ना, कौन सी यू, और एफ कैसी आई, एफ वाला ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपकी प्लस की आ गई और यहाँ इससे मापी ये डिस्टेंस आपकी आ गई नेगेटिव। अब उसके बाद आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो देखो यू हमारे पास कितना है माइनस का 30, एफ कितना है प्लस का 30 अपॉन
यू माइनस का 30, ओह दर्पण था, दर्पण दर्पण सॉरी, एक गलती अपने कर ली, फॉर्मूले अपने बना लिए, मैंने कहा दर्पण का प्लस था और लेंस का माइनस का था, आई मीन लेंस का मैंने फॉर्मूला बना लिया, पर क्वेश्चन दर्पण का, दर्पण का है तो यहां कैसा है माइनस है, तो माइनस एफ कितना अगेन आपका 30। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो ये है माइनस का 30 × 30 अपॉन माइनस का 60, इसको अगर उड़ा दूं सारे को और लिख दूं माइनस का 60, माइनस से माइनस आपका कैंसिल, इसको उड़ाऊं इससे कितना हुआ 2, 30 / 2 कितना हुआ 15, इसका आंसर आपको मिला प्लस का 15 सेंटीमीटर। प्लस आया इसका मतलब इसकी इमेज मिरर के ठीक पीछे बनेगी और 15 सेंटीमीटर पे बनेगी, तो दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर यानी बिहाइंड द मिरर एट 15 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ो आगे, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखें कि एज सोन इन फिगर एक कन्वर्जेंट लेंस यानी कौन सा आपका कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इनसाइड ए सेल फिल्ड विद द लिक्विड, लिक्विड से भरे किसी सेल में रखा हुआ है, द लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर व्हेन इन एयर, जब ये एयर में होता है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो कैसे होती है 1/f इज इक्वल टू एयर में, तो एयर में तो ओनली इसमें जैसे जो फॉर्मूला बेसिकली आप उसको काम लेंगे तो कौन सा है म्यू लेंस माइनस का 1 इंटू हम लोग पढ़ते हैं 1/r1 माइनस 1/r2, तो आपको इसमें क्या दे रखा है म्यू लेंस यानी जो इसका मेटेरियल है लेंस का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है तो आगे दे रखा होगा, और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका मतलब इसके इस लेंस के सबस्टांस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस का 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो एयर में तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से फॉलो कर लेंगे अप्लाई कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इसका जो बाहर का सराउंडिंग का जो आपका मटेरियल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल उसका दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 जो कि लेंस से भी ज्यादा है, तो आपसे पूछा तब इसकी जो फोकल लेंथ वो कितनी आएगी, तो देखो जब इसको किसी मीडियम में इंटर कर देंगे तो उस केस में इसको लेता हूं 1/f मीडियम इज इक्वल टू, अब ये म्यू लेंस नहीं रहा, अब ये लेंस का तो है पर मीडियम के रेस्पेक्ट में अपन लेंगे, तो म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, म्यू लेंस कितना है 1.5, म्यू सराउंडिंग कितनी है 1.6 माइनस का 1 इंटू रेडियस तो वही है बेटा 1/r1 माइनस का 1/r2, अब इससे हमको ये एफ मीडियम फाइंड करनी है, तो देखो इससे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं ये है 1.5 माइनस का कितना 1, तो 1.5 से मान लो एक गया तो 0.5 बचा, 0.5 का मतलब है आधा 1/2, 1/2 मतलब 1/2 और ये 1/20, 2 से काट दो 20 तो 1/10 आ गया, तो यानी इस पूरे का वैल्यू हमारे पास 1/10 है, इसका वैल्यू पूरे का कितना 1/10 आया, देखो तो ये 1.5 माइनस ये ना इसका एलसीएम तो कितना 1/6 1.6 का एलसीएम आ गया, और ये तो है देखो 1.5 माइनस ये इसको 1.6 तो ये हो गया देखो 1.6 इंटू मैंने इसकी हेल्प से इसका वैल्यू निकाल लिया था वो है 1/10, ये लो बेटा जी 1/10 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो यहां शेष मेरे पास कितना रहा 1.5 माइनस का ये तो माइनस का 0.1 माइनस का 0.1 या 1/10 ये 10 वो 10 100 और 1.6 को अपन गुणा करें 100 से तो कितना 160 1/f मीडियम इक्वल टू हो गया माइनस का 1/160 तो f उल्टा कर दो 160 आ गया, तो माइनस का 160 बिल्कुल इसका आंसर आप देखो माइनस 160 सेंटीमीटर का आ जाएगा। बहुत प्यारा, इस पे नीट लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है तो इजीली आप इसको कर सकते हो, पहले था एयर में और अब क्या हो गया मीडियम में, और यहीं से इसको तो काट दो आप 1/2 कर दो कैसे भी आप मर्जी है, और यहां इससे वैल्यू निकाल के रखना है तो इसी स्टेप में आपका आंसर भी आपको मिल जाएगा, ये अधिक ठीक रहता है बजाय कि 1/2 करने के, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि आपसे बोला है कि किसी एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड
आई पीस ऑफ फोकस लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जो हमारे पास एक खगोलीय दूरदर्शी होता है उसमें ये बोला गया, देखो कि ये इसका लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और इसकी ऑप्टिकल एक्सिस पर यहां एक लेंस है उसको आप देखो, तो ये है आपका आई पीस लेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अनुसार अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। और इसमें फर्स्ट वाले की फोकस लेंथ एफ नॉट दे रखी है 40 सेंटीमीटर और इसकी एफ ई दे रखी है बेटा जी 4 सेंटीमीटर, ये आपको पहले से दे रखे हैं। अब क्या कह रहा है, टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 2200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, जो ये अभिदर्शक लेंस है या ऑब्जेक्टिव लेंस है इससे 200 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको हम लोग देख रहे हैं मान लो, तो इसको देख रहे मतलब इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये बन गया आपके पास U ऑब्जेक्ट और ये लेंस से इस तरफ है तो कौन सा माइनस का 200 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं है। द लेंस मस्ट बी सेपरेट बाई ए डिस्टेंस, तो अब ये कह रहा है कि दो हमारे पास ये लेंस हैं उनकी दर की फोकस लेंथ और अभिदर्शक है उसकी दे रखी है, अभिदर्शक से जो ऑब्जेक्ट है वो 200 सेंटीमीटर रखा गया है, तो किसी बिंब को देखने के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, आपको इन दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस है वो पूछी जा रही है। अब देखो यदि इससे 200 सेंटीमीटर में आपने किसी वस्तु रखा है तो इमेज यहां इसकी बननी है, तो ये डिस्टेंस तो क्या बन गया वी, एक तरह से ओ बन गया ना, और प्लस अब यहां थोड़ी सी चीजें हैं वो आपको थ्योरेटिकली याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। यहां इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका अरेंजमेंट दिया हुआ नहीं है कि ये रिलैक्स्ड आई का यानी शांत आई का अरेंजमेंट है या ये टेंशन्ड आई का यानी तनाव वाली आई का अरेंजमेंट है, वो आपको मेंशन नहीं कर रखा है। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में आई के अरेंजमेंट का मेंशन नहीं कर रखा होता है तो हमेशा हम लोग रिलैक्स्ड आई का यानी शांत आई का जो अरेंजमेंट है उसको फॉलो करते हैं और उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि अंतिम बिंदु या जो अंतिम इमेज है वो हमेशा अनंत पर बनती है। तो अगर ये वाला अंतिम इमेज जो फाइनल इमेज है उसको अनंत पे बनाएगा तो जो इसकी फोटो यहां बनती है ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनती है वो इमेज इससे फोकस लेंथ पे होगी यानी एफ ई पे होगी तभी तो इसका इमेज है वो अनंत पे बनेगा। तो अब जो इनके बीच की टोटल लेंथ आपको महसूस हो रही वो है क्या V नोट और एफ ई का जोड़ है सिंपल। तो देखो L जो हम लोग यहां सीखेंगे तो L हमारे पास कितनी आई, L हमारे पास आ जाएगी देखो L है वो हमारे पास कितनी है V नोट प्लस बेटा जी एफ ई है। अब ये V नोट अभी हमने कहा था कि लेंस और दर्पण के हमारे पास दो फॉर्मूले थे जिसमें V अभी अपने लेंस वाले में तो माइनस से तो प्लस आता ना U इंटू एफ अपॉन कितना U प्लस एफ और ये देखो प्लस एफ ई। यहां चूंकि नली की लंबाई है इन दोनों के बराबर है, ये लंबाई आपकी प्लस आए अथवा फॉर्मूले में कैसी भी आई वैसे प्लस ही आएगी तो भी माइनस आए तो भी मोड लेना है तो इस लेंथ को हमको क्या करना है इसमें से ऐड कर देंगे। तो अब देखो ओनली वैल्यू पुट करनी है तो U इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ इस लेंस के लिए U हमारे पास है कितना माइनस का 200, F कितना है तो 40 अपॉन माइनस का 200 और प्लस का 40 तो क्या बचा 160। इसको ओपन करेंगे सॉल्व और वैसे माइनस का बचेगा माइनस 160। अब इसको सॉल्व करें तो देखो इस 160 को ओपन कर दें 40 इंटू 4 कर दें तो 40 या इसको भाग दें इसमें माइनस कट गया तो ये 4 आ गया, 200 बटा 4 कितना है 50 सॉरी एफ ई कितना हमारे पास था एफ ई 4 सेंटीमीटर, ये है 50 प्लस 4 54 54 सेंटीमीटर हो गया तो इसका राइट आंसर है 54 सेंटीमीटर। तो कोई ज्यादा नहीं है लेंसों का सिंपल प्रैक्टिकली यूज आपको आना चाहिए, इससे वो बॉडी कहाँ रखी हुई है इसकी इमेज कहाँ बनेगी उसके बाद रिलैक्स्ड आई ये कॉन्सेप्चुअली आएगा, ये केवल प्रश्न को पढ़ने से नहीं आएगा भाई है ना, ये लिखा नहीं है तो जब मेंशन नहीं कर रखा था तो मैंने उसी इसको ले लिया तो आंसर आपका हो जाएगा 4th। बढ़े आगे ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है द फर्स्ट डिफ्रेक्शन मिनिमा ड्यू टू ए सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन इज एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। फोर पर ध्यान देना, फर्स्ट डिफ्रेक्शन मिनिमा निम्निष्ट वो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे बन रहा है तो उसके लिए विड्थ ऑफ द स्लिट क्या होगी। तो डिफ्रेक्शन का फॉर्मूला है जिसमें ध्यान दो कि जो पाथ डिफरेंस अपन निकालते हैं डेल्टा ड्यूरिंग इंटरफेरेंस और पाथ डिफरेंस ड्यूरिंग डिफ्रेक्शन, इन दोनों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये कितने होते हैं, इंटरफेरेंस में जीरो होता है, फिर लेमडा बाई टू होता है, फिर लेमडा होता है, थ्री लेमडा बाई टू होता है, फिर आपका टू लेमडा, इस तरह से वैल्यू आती है। जबकि जो डिफ्रेक्शन होता है वहां पर जीरो, बस यहां रुक जाए, यहां आता है लेमडा, उसके बाद है थ्री लेमडा बाई टू, फिर आपका टू लेमडा और ये फाइव लेमडा बाई टू। ये मोटे तौर पे आपको याद होना चाहिए। जिसमें जो फर्स्ट है ये वाला, जो फर्स्ट अपन यूज करते हैं फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए। और यहां ये किसके लिए, देखो इंटरफेरेंस में व्यतिकरण में तो ये पहला निम्निष्ट है और ये पहला निम्निष्ट किसमें है, डिफ्रेक्शन में। बस ये लैम्डा 2 यहां पे नहीं होता, ये इस पे नहीं होता है। तो आपको पूछा है डिफ्रेक्शन में प्रथम निम्निष्ट के लिए, और प्रथम निम्निष्ट में उसका पथांतर या पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, और डेल्टा डी जो है ना किसमें डिफ्रेक्शन में, ये होता आपका ए साइन थीटा, और ए है स्लिट का गैप या स्लिट का जो डिस्टेंस है वो है। तो आपको ए तो पूछा, तो ए हमारे पास कितना आया, लैम्डा अपॉन साइन थीटा, ए इक्वल टू है लैम्डा बाय ये लो साइन थीटा। लैम्डा कितना है बच्चों, लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, दूरियां सब सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार इसको 5000 या 5×10⁻⁷ मीटर ले लेता हूं, अपॉन साइन थीटा हो गया 1/2 चला गया ऊपर, हो गया 10, तो 10×10⁻⁷ 10 को इसमें कर दें शामिल, तो ये हो गया 10⁻⁶ है ना, फिर मीटर में होता है 10⁻² सेंटीमीटर, इसको 10⁻² से और करता हूं मल्टीप्लाई, तो देखिए ये आपका टोटली आंसर जो है ये हो गया 10⁻⁶ कितना 6, और इनटू मीटर में था तो सेंटीमीटर लेने के लिए इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 कम और होगी तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1×10⁻⁴ दैट इज राइट आंसर। तो कोई अलग से नहीं है, ये याद हो, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला पता हो, तो वैल्यू आराम से रखो, इसका आंसर आप आराम से प्राप्त कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन फोटोसेंसिटिव मेटल इज म्यू नॉट व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू म्यू नॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज वी नॉट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन द सेम मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 μ0। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन समझ लो, मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरे पास से कोई मेटल प्लेट थी, इस पे हमने कोई फोटोन डाला, जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2 μ0, और जो आपके पास मेटल है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 0 μ0, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलता उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो है वी मैक्सिमम इक्वल टू आपको भी दे रखा है। फिर कह रखा है कि अगर इसी मेटल पे हम लोग 5 μ0 फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालेंगे, उस स्थिति में जो वी मैक्सिमम डेस होगा वो कितना होगा आपको बताना है। तब अब इन सब को अपन एनर्जी की टर्म्स में कोरिलेट करें और आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन उसको अपन उपयोग में लेते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट वाले में ध्यान दो, जो आ रही है उसकी एनर्जी कितनी है 2h𝛎0 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना आपका h𝛎0, और प्लस ये हो गया देखो 12 m into v2। यदि इसको यहाँ इस तरफ ले आता हूँ तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर के आप ये देखो कि 12 m v2 इज इक्वल टू आ गया h𝛎0, पहली इक्वेशन। सिमिलरली अगेन अपन देखेंगे तो दूसरे वाले केस में कितना 5 μ0 है, इसकी एनर्जी कितनी हुई 5 h𝛎0, और मेटल वही है तो वर्क फंक्शन आपका वही h𝛎0 ही रहेगा, प्लस हो गया 12 m into v²
और इसमें वापस इसको इधर लाता हूं तो हाफ एम इन टू वी डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको लिखो तो 4s न्यू नोट आ जाएगा। अब इससे सोल्व करके हम लोगों को वी डी एस निकालनी है, वी की ट्रांसफर निकालनी है, तो 2/1 कर दूं, 2/1 करूंगा ना, 2/1 करूंगा। देखो आप 2/1 करेंगे, m/2 से m/2 कैंसिल हो गया, ये s न्यू नोट से कैंसिल हो गया, तो यहां वी डी एस स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, देखो वी डी एस स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4/1, 4/1। अब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास वी डेस का स्क्वायर आ गया 4v², तो वी डेस हमारे पास कितना है, 4 का रूट 2v² का वी, इसका राइट आंसर है 2v, इसकी डबल हो जाएगी, तो ये लो साहब इसका आंसर। सेकंड हम लोग करेंगे, बढ़ो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास दो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिनके डीके कांस्टेंट है 5λ और लैम्डा। अब कह रहा कि इनिशियली उनके T0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो सेम है, तो पूछे आफ्टर हाउ मच टाइम ए और जो बी है उनका जो एक्टिव न्यूक्लियस है उनका रेशियो 1/E² रह जाएगा। तो ध्यान दें, जैसे दो सब्सटेंस हमारे पास है, मैं इसको ए को ए मान रहा हूं, दूसरे को बी मान रहा हूं। ए का डी की कॉन्स्टेंट है 5λ, दूसरे का है बेटा जी लैम्डा, दोनों की इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियस बराबर है, पर बाद में इसके जो न्यूक्लियस हैं इसको मैं एन ए कर रहा हूं, ये कब टी जीरो पर, और आफ्टर टी पे ये एन ए और ये आपका है एन बी। तो बोला है इसमें कि ए और बी के जो न्यूक्लियस है उनका रेशियो है वो कितना है, 1/E², इनका रेशियो जो है एन ए अपॉन एन बी वो हमारे पास है 1/E². तो पहले एन ए निकाल लेते हैं, एन बी निकाल लेते हैं, उसकी वैल्यू को रख देते हैं ये वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले एन बराबर है तो देखो एन ए कितना होगा, एन नॉट और e की पावर माइनस का लेमडा इंटू टी, लेमडा कितना उसका 5λ × t, फर्स्ट वाले का 5λ एन नोट। सेकेंड देखो तो वह है आपके पास एन बी, वो हुआ एन नोट e की पावर माइनस का लेमडा इंटू टी, कोई समस्या नहीं है। अब इससे पर निकालते रेशियो एन ए अपॉन एन बी, तो इसको डिवाइड करूंगा तो एन नोट से एन नोट कट गया, तो ये बचा वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, ये है एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल, और ये e की पावर माइनस का 5λ t अपॉन e की पावर माइनस का लेमडा टी। तो देखो e की पावर माइनस का 5λ t और ये है e की पावर माइनस का लेमडा टी, इसको ले जाएं अपन ऊपर या इसको नीचे ले आता हूं, तो देखो 1 अपॉन e की पावर, ये माइनस की पावर थी, नीचे प्लस की जाएगी, नीचे प्लस की 5, एक है माइनस की, तो इसको सोल्व करोगे तो e की पावर आ जाएगी 4λ × t। क्लियर। अब सुनो एन ए अपॉन एन बी हमको दे क्या रखा है, तो अपन ने फाइंड कर लिया, जबकि इसकी वैल्यू आपको दे रखी इतनी है 1/E², जब ये बराबर हो गए तो अब इसकी बराबरी कर दूं, तो इसमें ई और ई दोनों के बेस सेम है तो इनकी पावर भी आपस में सेम होगी, तो अगर 4λ t को अगर कर दूं मैं इसके बराबर, किसके बराबर, 2 के, तो 4λ t बराबर 2 है, तो टी मेरे पास कितना है, देखो 4λ × t बराबर 2, इससे कैंसिल, तो 2 आ गया, टी हमारे पास इससे सॉल्व करने पे कितना 1/2λ आ जाएगा, जो कि थर्ड आंसर में आपको दिख रहा है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बेसिक क्वेश्चन है पर ऑप्शन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे पूछा इसमें से कौन सा अगर बायस अथवा फॉरवर्ड बायस में रिप्रेजेंट है, तो देखिएगा, और इसके फॉरवर्ड बायस के होने के लिए डायोड का पी पार्ट है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे या हाई वोल्टेज पे होना चाहिए, और एन आपका नेगेटिव वोल्टेज पे, या नेगेटिव वोल्टेज को अपन नहीं बोल सकते, वैसे आप सिंपल बोलें कि किसी भी डायोड के फॉरवर्ड बायस के लिए उसका पॉजिटिव एंड होना चाहिए हाई पोटेंशियल पे और नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए लो पोटेंशियल पे। ध्यान दो, ये 10 किस तरह प्लस, ये 0 पर, तो देखो ये P पार्ट है इसका N पार्ट, P 10 पे और N किस पे 0 पे, तो ये हाई वोल्टेज पे लो पे, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस है इस पे, और ये इसका P भाग किस पे माइनस का 5, N किस पे माइनस का 12 है, तो ये बड़ा है हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, ये आपका सही है। यहाँ देखें तो ये प्लस माइनस 10 पे माइनस 0 पे गलत है, इसमें देखें कि 0 पर तो ये 0 वोल्टेज, यहाँ कितना प्लस का 5, ऐसे चेक कर लिया करो, P भाग 0 पे है, N है किसका प्लस 5 पर,
तो पी तो है जीरो पे, और ये हाई वोल्टेज तो एन हाई वोल्टेज पे और पी तो लो वोल्टेज पे, ना तो रिवर्स बायस है, ये भी आपका रिवर्स बायस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ए और सी इसका आंसर देगा। और ए और सी कहाँ है, ये थर्ड इसका आंसर कर देंगे। देखो ये इसका पी भाग है, पी किस पे 10 वोल्ट पे ले लिया, ये 5 है, 5 पे है, अब 5 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का 10 तो 5 से बड़ा ना, तो पी हाई वोल्टेज पे एन लो वोल्टेज पे, ऐसे सबको देखते हुए आराम से आप चेक करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बढ़ो आगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 1/β - 1/α का वैल्यू कितना होता है आपको बताना है, जिसमें अल्फा बीटा क्या है, सीबी और सीई के करंट गेन है, सीबी और सीपी के करंट गेन होते क्या, करंट गेन हमेशा होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का रेशियो होता है, तो सीबी देखो आप, सीबी में होता है क्या है, ये सीबी देखो ऐसे है, और सीई में कौन सा होता है, ये सी में होता है बस यूं, या हमने बेस है, ये आपका ई है, ये आपका सी है, इस वाले में ये आपका कॉमन एमिटर है, ये आपका बेस है और ये आपका सी है, तो यहां जो करंट होती है ना, इसकी करंट हमारे पास कौन सी आई सी होगी, इस करंट कौन सी आपके पास आई है, इस वाले में ये करंट कौन सी आपकी आई सी है, यहां करंट कौन सी आपकी आई बी है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो ही कहलाता है आपका करंट गेन। तो कॉमन बेस में होता है अल्फा, अल्फा वैसे है क्या आई सी अपॉन आई ई, और कॉमन बेस में क्या होता है, ये आपका कॉमन बेस कॉमन एमिटर में होता है आपका बीटा, और वह है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आई सी अपॉन आई बी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब सुनो, आप लोग जानते हो कि जब वर्किंग हम लोग पढ़ते हैं तो आई ई इज इक्वल टू होता है आई सी प्लस आई बी, आई सी और आई बी, अगर मैं इसमें इस पूरे को आई सी से डिवाइड कर दूं, आई सी आई सी और ये आई सी, ये हो चुका है 1 प्लस आई बी अपॉन आई सी, क्या होगा देखो आई सी अपॉन आई बी तो बीटा है, तो उल्टा कर दो इसको, 1 अपॉन बीटा हो गया ना, ये लो 1 अपॉन बीटा, और ये आई ई अपॉन आई सी, आई सी अपॉन आई ई अल्फा, तो उसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन अल्फा आ गया। अब आपको पूछा है कि 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा, ये 1 अपॉन बीटा है, इसको पलट जाए इस तरफ, तो 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, तो इससे 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1, तो आपसे पूछा है कि कहां इसका आंसर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा है या अल्फा माइनस बीटा है या 1 है, नन ऑफ दीज है, माइनस का 1 आएगा, देखा ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4th। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में देखो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये देखो सिंपल है, ये कोई केबिन है, उसके अंदर एक मास रखा हुआ है और पूरा सिस्टम यानी ए सोल्यूशन से नीचे मूव कर रहा है, तो आपसे पूछा कि ऐसी स्थिति में अगर इसमें जो क्रिया है वो 9 mg/10 है, तो ए का वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखो ये जो ब्लॉक है, इस पे नीचे वेट लग रहा है mg, इसका सोल्यूशन नीचे है तो इसका शैडो फोर्स लग गया ऊपर की तरफ, कितना m into a, और इसकी जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है, उसको मान लेता हूं मैं कितनी r, r आपको दे रखी है, कितना है 9 mg/10, तो आपसे a पूछा है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो देखो एम ए प्लस आर इज इक्वल टू कितना हुआ mg, इस r को अपन यहां से कर दें माइनस, तो r इस तरफ कितना 9 mg/10, 1 - 9/10 हो गया, ओनली mg/10, तो देखो हमारे पास एम ए इज इक्वल टू, इसको सोल्व करने मेरे पास वैल्यू आ रही है mg/10, m से m कैंसिल हो गया, तो a हमारे पास कितना g/10, ये लो साहब सेकेंड इसका आंसर सही देगा। बढ़े अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका है कि चित्र में एक ग्रह को सूर्य एस के प्रेत है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए दिखाया गया, जिसमें आपको यहां तो कोई बड़ा इशू है नहीं बेटा, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कि ये कोई एक सन है और ये कोई प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है जिसमें इसके अबाउट जो आपका सन है इसके सेंटर के अबाउट प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, जे इक्वल टू एम वी आर, एम यहाँ पे है मास ऑफ प्लैनेट वो भी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब वी इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो वी परपोज टू हो गया 1/r, तो आपसे पूछा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और स्पीड के मैक्सिमम होने के लिए आर होनी चाहिए कम, और आर कम से कम कहाँ है पॉइंट पी4 पर, तो पी4 इसका आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो तो अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, यहां पर भी कोई विशेष बात नहीं है। देखो आपसे पूछा है कि निम्न से किस वक्र द्वारा ताप के साथ जल की डेंसिटी में परिवर्तन है, वो सही रूप में दिखा रखा है वाटर की डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी में सिंपल, देखो ये तो आपको याद करने वाला ही है, तो आपको यहां ध्यान होता है, देखो पानी, पानी में पहला अक्षर क्या है, फोर 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 एफ ओ यू आर फोर या चार, यहां भी आर यहां भी आर, फोर 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 मतलब रो रो रो। तो बात पकड़े इसमें कि पानी में क्या दिखता है, चार चार यानी फोर 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 ऐसे रो। तो चार डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम, चार से पहले कम चार के बाद भी कम। तो देखिएगा डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, चार डिग्री पे यहां इसका टेम्परेचर है फोर डिग्री सेल्सियस, यहां इसकी डेंसिटी होती है मैक्सिमम, उसके पहले भी घट रही है बाद में घट रही है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा भाई। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कि एक मोनो एटॉमिक गैस जिसका गामा दे रखा है इज सडनली कंप्रेस टू दिस इट्स वॉल्यूम एडियाबेटिकली, देन द प्रेशर ऑफ द गैस विल चेंज टू, यदि किसी गैस को अपन एडियाबेटिकली अचानक से कंप्रेस करते हैं 1/8 वॉल्यूम तक, तो इसका फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाता है वो आपको पूछा गया है। तो देखो इस केस में आप लगाते हो एडियाबेटिक गैस की पी और वी के साथ स्टेट इक्वेशन, जो होता है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आपको पी पूछा है प्रेशर, तो देखो पी प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/V की पावर गामा, इसको अपन लिखें पी डेस अपॉन पी इज इक्वल टू हो गया वी अपॉन वी डेस जिसकी पावर कितनी है गामा। अब इसको हमको सॉल्व करना, देखो तो वी तो पहले वाला था, या इसको अपन नीचे ले लेते हैं, देखो वी अपॉन वी डेस कितना वी बाई एट, तो एट पर चला गया, इसकी पावर कितना गामा हमारे पास है 5/3, वी से वी कैंसिल हो गया, एट का मतलब हो गया देखो 2/3 जिसकी पावर है 5/3, और ये 3/3 कैंसिल हो गया, 2/5 कितना हुआ 32, कितना 32, तो पी डेस अपॉन पी इक्वल टू 32 है, तो पी डेस हमको मिल जाएगा 32 × P, तो जो पहले का प्रेशर था उसका 32 टाइम्स हो जाएगा, तो ऐसे में इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। बढ़ो आगे, तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा है, कि जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, व्हेन वेव एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हिच क्वांटिटी रिमेंस कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी और कलर ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन आते हैं, देखो यहां पूछा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, द फिगर शोज थ्री सर्किट विद आइडेंटिकल बैटरीज इंडक्टर्स एंड रजिस्टर्स, रैंक द सर्किट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द करंट थ्रू द बैटरी, करंट का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसके अनुसार उसको अरेंज करना है, कब करना है, दो केस है, पहला केस जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड एंड दूसरा ए लॉन्ग टाइम आफ्टर। तो देखो यहाँ इंडक्टर का रोल है, तो आपको मालूम है इंडक्टर हमेशा धारा में परिवर्तन का अपोज करता है, इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस चेंज इन करंट, और चेंज इन करंट हमेशा स्विच को ऑन करते समय होता है मैक्सिमम। ध्यान करें स्विच को ऑन करते समय जो एल होता है वो ओपन सर्किट के रूप में बिहेव करता है, उसमें से करंट पास नहीं होती है, और जब यहां लॉन्ग टाइम आफ्टर या लेटर की बात हम करते हैं, लंबे समय बाद की बात करते हैं, उस समय जो एल होता है वो जीरो रेजिस्टेंस अर्थात शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करने का कोशिश करता है, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो टी जीरो पर स्विच ऑन करने के ठीक बाद तो ये कट जाएगा ओपन सर्किट रूप में, और आफ्टर सम टाइम या लॉन्ग टाइम की बात करेंगे तो उसमें ये एक सिंपल कनेक्टिंग वायर के रूप में बिहेव करेगा। तो देखो सबसे पहले बात करता हूं टी जीरो पर, ये कट गया ब्रेक, तो करंट कितनी इसमें जीरो आ गई, तो आई वन हमारे पास कितना जीरो आ गया, इसमें ये ब्रेक हो गया तो करंट यहां से यहां पास, अगर इसका वोल्टेज ई मान लूं, इसका वोल्टेज ई, इसका रेजिस्टेंस मैं आर मान लेता हूं, तो करंट यहां से पास हुई सिर्फ ई आई आई टू, करंट कितनी आई ई बाई आर होगी, ई बाई आर, इसमें भी आपका ये कट गया तो करंट यहां से फ्लो करेगी ई,
ये आपका आर और ये आपका आर, दोनों सीरीज बन गए तो 2R, तो इसमें I3 का वैल्यू हमारे पास आ गया E/2R। अब कंपेयर करना है, सबसे बड़ी करंट कौन सी, देखो ये I2, उससे कम I3 और सबसे कम I1 जो 0 है, तो I2 उसके बाद I3, सबसे कम कौन सी I1 जिसका मान है वो 0 है। I2 I3 I1 बिल्कुल सही है, ऐसा कोई और है क्या, ऐसा कोई है ही नहीं, इसका फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। आगे भी हम चेक कर लेते हैं कि I2 I3 वाला जो सेकंड पोर्शन उसको अपन कैसे डील करेंगे, वो अपन इसमें देख लेते हैं। देखो अब मैंने कहा कि जब स्विच को ऑन कर दिया तो ऑन करने के लंबे समय पश्चात ये तो शॉर्ट सर्किट रूप में या सिंपल कनेक्टिव वायर रूप में करेगा। तो ध्यान दो, पहले वाले केस में इसको आपने कनेक्ट किया, ये बन गया एक सिंपल जीरो रेजिस्टेंस का वायर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, इसको अपन ई मान लें, तो करंट यहां पे कितनी फ्लो कर रही है, I1 हमारे पास है E/2R, ये दोनों सीरीज थे ना, इसलिए यहां देखो इसको, इसमें ये हो चुका जीरो रेजिस्टेंस, अब ये R और R कितना R/2, तो इसमें करंट I2 हमारे पास कितनी आएगी E/R/2, तो 2 चला गया ऊपर 2E/R। फिर देखें अपन इस वाले में, यह हो चुका है शॉर्ट सर्किट, देखो अब यहां ये R हो चुका है शॉर्ट सर्किट, तो करंट ओनली यहां से यहां पास होगी, इस E के कारण रेजिस्टेंस ओनली R ही हो जाएगा, तो I3 का वैल्यू हमारे पास ओनली E/R है। अब देखो इसमें मैक्सिमम करंट कौन सी आई, I2, उसके बाद I3 और सबसे कम I1, I2 I3 I1, ऑर्डर तो वही आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तो आ गया तो इसका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जी बैन में कई बार पूछा जा चुका है और नीट में अब आने के चांसेस आपके बन रहे हैं। देखो बढ़ो अगले क्वेश्चन में, आइए साहब अगला क्वेश्चन है कि 4 किलोवाट शक्ति का एक सोर्स हमारे पास इस तरह का है, इतने फोटॉन्स पर सेकंड उससे निकल रहे हैं, तो आपसे पूछा है कि ये स्पेक्ट्रम के कौन से भाग का सदस्य है, तो लैम्डा ज्ञात करना पड़ेगा, तो आपको दे रखिए पावर, तो किसी सोर्स की पावर जो है वो क्या होती है, देखो पावर P = हम लोग लिखते हैं टोटल एनर्जी बाई टाइम। जैसे मान लो कोई सोर्स है, इसकी पावर P है, तो मान लो इससे फोटोन निकलते हैं ऐसे, सब तरफ जो इससे फोटोन निकलते हैं यूं, तो एक फोटोन की एनर्जी E मान लेता हूं, और इसमें T टाइम में मान लो N फोटोन्स निकल रहे हैं, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आई, N × E आ गई। अगर एक फोटोन की दर रखिए लैम्डा, तो हम इसको लिखें N × Hc/λ, तो इसकी वैल्यू अपन पुट कर दें, E टोटल ये है N × E, E क्या एक फोटोन की एनर्जी, वो है Hc/λ, और ये T कर दूं, ये T हमारे पास, N तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, पर N/T क्या रेट ऑफ फोटॉन्स, और आपको यहाँ रेट ऑफ फोटॉन्स दे रखी है, पावर आपको दे रखी है, तो इसको देखो P = कर दूं n Hc/λ, और इससे लैम्डा हम लोग निकालेंगे, तो ये हो गया देखो NHc/P, और इससे सॉल्व करेंगे तो करीब करीब 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा कैलकुलेशन करने पर, तो एंगस्ट्रॉम में इतना आएगा, तो देखो 0.01 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तो एक्सरे होती है, क्या होती है एक्सरेज, तो ये एक्सरेज यहां बन जाएगी, आप इसको निकाल लें कैलकुलेट कर लो, और इस रेंज में इसके लैम्डा जाएगी, तो लैम्डा की रेंज के आधार पे हम कौन से स्पेक्ट्रम के पार्ट में लाई करेगी उसको बता पाएंगे, तो आप इसको चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है कि किसी रेडियो के सबस्टांस में एट एनी इंस्टेंट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस इज 2:1, इफ देयर हाफ लाइफ बी रेस्पेक्टिवली दिस, देन आफ्टर 2 days, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सबस्टांस। किसी क्षण पर जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस है उनका जो रेशियो है, मात्रा का अनुपात है 2:1 है, यदि उनकी हाफ लाइफ कितनी 12 और 16 घंटे हैं, तो 2 दिन बाद उनकी मात्राओं का रेशियो कितना होगा। तो देखो जो एक्टिव मास है उसको मैं लिखता हूं, तो m = m0/2n, n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, समझे। तो सेकंड देखो मैं, ये मान लो m1 है, ये m01, m ये आपका 2, m02/2n, और ये स्मॉल n जो होता है वो होता है टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, क्लियर। तो इससे देखो m1/m2 हम लोग निकालेंगे, m1 by
एम टू बराबर, तो ये आ गया एम जीरो वन बाई एम जीरो टू इनटू, ये आपका देखो इसको मैं कर दूं यहां वन, इसको कर दूं मैं यहां पर टू, तो ये शेष रहा देखो वन अपॉन टू की पावर एन वन और ये है टू की पावर एन टू। दोनों की इनिशियल मासेज का रेशियो दे रखा है वन रेशियो टू, तो ये सो टू रेशियो वन, तो ये तो आपका दो अनुपात एक आ गया इनटू। अब ये समझने वाली बात है, तो इसके लिए पहले एन वन एन टू निकाल लो। ध्यान दो कि जैसे एन वन हम चेक करें तो एन वन है क्या टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, टोटल टाइम कितना है टू डेज का मतलब 48 घंटे 48 आवर्स, और इसकी हाफ लाइफ कितनी है 12 आवर्स, तो 4 48 अपॉन 12 कितना हुआ 4। सेकंड अपन निकालते हैं N2, तो N2 में देखो हाफ लाइफ तो है 16, टोटल टाइम 2 डेज का मतलब 48, तो इसको डिवाइड करने पे आ गया 3। क्लियर? अब सुनो यहाँ N2 कितना 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना तो 8 आ गया, और ये 4 2 की 4 4 कितना हो गया 16 हो गया, 8 × 2 कितना हुआ 16 अपॉन 16, तो रेशियो आपका 1:1, तो इसका आंसर आपका आ गया फर्स्ट। क्लियर? बढ़ते आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ग्राम आइस ऑफ 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को मिलाते हैं। ये तो बहुत फिक्स है, ये जब कहीं पर भी 0 डिग्री की आइस और थीटा डिग्री का वाटर आपस में मिलाते हैं सेम अमाउंट में, तो जो थीटा ऑफ मिक्सर होता है वो होता है आपका थीटा वाटर माइनस का 80/2 होता है, फिक्स है, जिसमें थीटा वाटर हमको दे रखा है। पर ये सर तभी है जब एम आइस इज इक्वल टू एम वाटर हो, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। तो थीटा वाटर हमको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस कितना आपका 80/2, तो 20/2 मीन हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, इसका फर्स्ट आंसर आप। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम एंड मूविंग विद वेलोसिटी यू मेक्स ए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन प्रत्यास्थ टक्कर दंडना विद अनदर स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, इफ स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इक्वल टू ए देन द रेशियो ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ कैपिटल एम टू इट्स इनिशियल एनर्जी विल बी। तो देखो क्वेश्चन इस तरह से है कि मान लो ये बॉडी एक जिसका मास है कैपिटल एम, जिसकी स्पीड है यू, दूसरी बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम, और ये है रेस्ट में। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि यू वन हमारे पास यू है, यू टू कितना जीरो है, यू टू हमारे पास है जीरो, और कोलिजन कौन सी है इलास्टिक, यानी ये आपके पास है कौन सा वन है जीरो वन इलास्टिक कोलिजन है। तो आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इसकी स्पीड है बेटा वी वन और इसकी स्पीड है कितनी वी टू, हो गया। ध्यान समझना कि टक्कर से पहले बिफोर कोलिजन इसके पास एनर्जी है, और कितनी एनर्जी है उसको मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल, वो है हाफ एम इंटू यू स्क्वायर, ये इसके पास इनिशियल एनर्जी है, और इसके पास कितनी एनर्जी है जीरो। अभी कह रहा है कि टक्कर होने के बाद इसकी एनर्जी कितनी लॉस हो गई, तो सिस्टम में चूंकि कोलिजन यहाँ पर इलास्टिक है तो देर इज नो लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ इसकी गतिज ऊर्जा में कोई लॉस नहीं है, क्योंकि टक्कर का प्रकार कौन से प्रकार का है, आपका प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा हानि नहीं होती है, तो ऊर्जा हानि किसकी किस में हो रही है, इसकी ऊर्जा कम होती उतनी उसकी बढ़ती है, तो जितनी इसकी एनर्जी में कमी हो रही है उतनी इसकी बढ़ रही है, तो ये पूछे ना इसकी एनर्जी में कितना लॉस हुआ, जितना इसमें वृद्धि हो गई। तो ध्यान दो टक्कर के बाद इसका मास आफ्टर कोलिजन इसका मास कितना, वो तो स्मॉल एम ही है, इसकी स्पीड कितनी वी टू है, तो जो एनर्जी इसको मिली है वो इसका लॉस हो जाएगा। तो ध्यान दो डेल्टा के लॉस यदि अपन बात करें किसका इस कैपिटल एम का, वो या तो आप क्या करो इसके पास पहले कितनी एनर्जी थी बाद में कितनी थी, तो पहले वाले में से बाद वाले घटा दो तो आ जाएगा, या फिर इसको कितनी मिली वो भी इसका आंसर है, तो हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर वो भी वैल्यू है ना, तो ये इसका लॉस ही है। आपको पूछा लॉस और के इनिशियल का रेशियो, तो आप क्या करते हो देखो
यदि इसमें मैं भाग दे दूं ओनली 1/2 किसका कैपिटल एम इंटू यू स्क्वायर का, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये इसे कैंसिल हो गया, वी टू का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा अपने फॉर्मूले से। तो ध्यान दो, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन वी वन और वी टू के जो फॉर्मूले होते हैं वो बड़े फिक्स होते हैं, उसमें दो टर्म्स होती हैं प्लस के रूप में, नीचे हमेशा एम वन प्लस एम टू होता है, यहाँ पर भी आपका एम वन प्लस एम टू होता है, ये भी आपका एम वन प्लस एम टू है, ये भी आपका एम वन प्लस एम टू है। वी वन निकालना हो तो एम वन माइनस एम टू इन टू वन होने पर आपका यू वन आता है, और यहाँ आता है रिमेनिंग उल्टा वाला 2m2u2, इसमें जस्ट वी टू निकालना है तो आपका एम टू माइनस का एम वन इन टू टू होने पर आपका यू टू, और यहाँ इसका जस्ट उल्टा 2m1u1 आता है। ये फॉर्मूले फिक्स है। अब चूंकि आपको निकालना क्या है, वी टू चाहिए, तो वी टू वाला ये है जिसमें देखो यू टू जीरो है, यू टू के जीरो होने से पहला स्टेप तो जीरो हो गया, बचा ओनली ये वाला। इस वैल्यू पुट करेंगे देखो तो वी टू हमारे पास कितना 2m1 कितना कैपिटल एम, और यू वन हमारे पास है यू अपॉन कितना कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी पड़ेगी। तो देखो अभी हमारे पास है स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, और स्मॉल एम बाई कैपिटल एम आपको दे रखा है कैपिटल ए, तो इसको तो मैं करता हूं कैपिटल ए करता हूं, देखो ये लो ए आ गया। अब ओनली वी टू बाई यू का आपको करना है वैल्यू पुट करते हुए सॉल्यूशन। तो इसका देखो मैंने वैल्यू पुट कर दिया है ए, अब वी टू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इसका मैं चलो स्क्वायर कर दूं एक बार यहां पर, तो इसका स्क्वायर हमारे पास कितना आया, तो ये आया देखो 4 कैपिटल एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर। आपको ये वैल्यू पूरी यहां पे इसके स्थान पे रख देनी है, तो रख दूं, तो देखो ए इंटू ये एम स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर अपॉन अपॉन है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इसका होल स्क्वायर, और नीचे भी आपका यू स्क्वायर है, और ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल। अब देखो इस नीचे वाले में ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम था, जिसमें से कैपिटल एम कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचेगा 1 + m बाई कैपिटल एम, और इस एम का स्क्वायर है बाहर, तो ये एम स्क्वायर बाहर आया देखो। तो यानी इसको सॉल्व करने पे अपने पास ऊपर है ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर, साथ में देखो यहां 4 भी था ना बेटा, 4 भी था, ये 4 भी था, तो 4 ए एम स्क्वायर अपॉन, इसमें से मैंने एम कॉमन लिया तो एम स्क्वायर यहां से बाहर आ गया, तो ये हो गया 1 + m बाई कैपिटल एम इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये एम स्क्वायर से एम स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आई 4a अपॉन 1 + m बाई कैपिटल एम, और ये अगेन कितना कैपिटल ए ही है, तो 1 + a का होल स्क्वायर आ गया, तो 4a अपॉन 1 + a का होल स्क्वायर। देखो इसका आंसर क्या आता है, फोर ए अपॉन ये वाला देखो, सॉरी फोर ए अपॉन ए प्लस वन का स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी इसमें कैलकुलेशन आपको करने को देखने मिल रही है, तो एग्जाम के लिहाज से प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बढ़े आगे, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है कि आपको ग्राफ दे रखा है किसमें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, फिर आपसे पूछा था फॉलोइंग ग्राफ शोस टू आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड टू द मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T2 एंड T1। ध्यान दीजिएगा ये T2 पर है, ये आपका T1 पे है, ग्राफ P और V में है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस ग्राफ होते हैं, और आपसे पूछें कि इन दो टेम्परेचर पे जो आरएमएस स्पीड है उसका रेशियो कितना होगा। तो ध्यान दीजिए VRMS वैसे होता क्या है, रूट ऑफ 3RT/m, R और M तो कांस्टेंट है, इसका मतलब VRMS प्रपोज टू हो गया T, और T को आइडल गेज इक्वेशन से अपन देखें तो ये होता है P इंटू वी के प्रपोर्शनल, होता है ना P इक्वल टू μRT, μR तो कांस्टेंट है, तो T हमारे पास किसके प्रपोर्शनल है, P इंटू वी के प्रपोर्शनल है। अब देखो इस ग्राफ में कहीं कुछ ऐसा अपने को करना पड़ेगा
जिससे कि अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ हमारे पास, यहाँ से देखता हूँ तो इस वॉल्यूम V1 पर प्रेशर ये 1 है, यहाँ कितना दो 4, इस ग्राफ का T2 का तो यहाँ 4 है, इसका कितना 1, तो बिल्कुल आप यहाँ से इसको सॉल्व कर पाएंगे। 2 पे यहाँ इसकी वैल्यू पता नहीं है, यहाँ इसकी वैल्यू पता है, इसे अपन नहीं कर पाएंगे। 3 पे ये वॉल्यूम पता नहीं है, तो आप केवल और केवल इसके V इक्वल टू 1 पर ही सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखो T इंटू V, तो सिंपल सा केस ये है कि अगर मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ कि टी टू और टी वन पे है ना, तो V2 by V1 is equal to root of, आप देखिए ये है P2 V2 upon P1 V1। तो किसी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अपन देख लेते हैं यहां पर, तो इस पॉइंट पे कितना 4 into, देखो यहां प्रेशर तो 4 है, वॉल्यूम कितना इसका 1, तो 4, और इसमें देखो यहां 1 और 1, तो 1 into 1 1, तो इसका root of 4 कितना हो गया 2, तो 2 ratio 1, 2 अनुपात 1, तो V2 बटा V1 हमारे पास कितना 2:1, तो इसका आंसर आपका थर्ड बन जाएगा। पढ़ो आगे, नेक्स्ट देखो, तो अगला क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न। देखो इसमें सबसे पहले देखो टेंशन फोर्स आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, जहां से मान लो इस पे नीचे फोर्स लग रहा है mg, और जो रस्सी यहां जुड़ी हुई है इसका टेंशन, जैसे देखो इसको मैं यूं कर दूं, ये मान लो ब्लॉक, तो नीचे यहां पे mg फोर्स है, ये टेंशन आपका T है, ये T है। अब देखो यहां ये पुली यहां पर बिल्कुल फ्री है, और ये जो आपका स्प्रिंग सिस्टम है ये M से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पुली की हेल्प से ये कनेक्टेड है। तो अब चूंकि यहां पे एक जो स्ट्रिंग है, एक रस्सी एक तनाव होता है, तो इसका टेंशन अलग है, इसका टेंशन आपका अलग है, तो इसका टेंशन मैं मान लेता हूं यहां पे टी डेस, ये भी आपका हो गया टी डेस, ये टी डेस। तो अब देखो चूंकि यहां पुली हम लोग मानते हैं हमेशा मासलेस, तो इस पे ऊपर फोर्स है 2 टी डेस, नीचे कितना टी, तो इसको बैलेंस करेंगे ना, तो 2 टी डेस इक्वल टू मेरे पास टी है, तो टी डेस मेरे पास कितना टी बाई 2 आ जाएगा, तो इसका जो टेंशन है वो हमारे पास अलग है। बैलेंस केस में आप मान लो टी इक्वल टू एम जी भी है, तो टी इक्वल टू हमारे पास है एम जी, तो इसको मैं ले दूं यहां पे एम जी बाई 2, तो टी डेस इसमें जो आपका टेंशन है वो आपका है, वो है वैसे टी बाई 2। अच्छा अब एक बात और देखो कि जब इस स्मॉल इस कैपिटल एम को अपन हल्का सा एक्स से खींचेंगे, खींचने पर ये कितना एक्सपेंड होगा ये भी आपको निकालना पड़ेगा। ये निकालना हो तो आप इसमें क्या करा करो, चूंकि इंटरनल टेंशन फोर्स यहाँ पे इंटरनल फोर्स है, और उनका नेट वर्क डन जीरो होता है, चाहे एम पे हो चाहे स्प्रिंग पे हो। तो देखो मैं यहां लिखता हूं, देखो स्प्रिंग वाले में तो क्या है टी डेस, और इसका एक्सपेंशन कर दूं एक्स डेस इज इक्वल टू, इसमें इसका मैंने एक्स लिया ना, तो यहां तो टेंशन क्या था टी और ये एक्स। अब जो टी डेस की वैल्यू कितनी है, टी डेस कितना टी बाई 2 है इंटू एक्स डेस इक्वल टू टी एक्स, टी से टी कट गया, एक्स डेस हमारे पास कितना आया 2x, एक्स डेस हमारे पास आ जाएगा 2x, क्लियर। अब देखो हमको इसके लिए इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, स्प्रिंग के लिए अपन लिखते हैं ना F इज इक्वल टू के एक्स, के इक्वलेंट इंटू एक्स, तो उस स्प्रिंग के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, तो के इक्वलेंट जो स्प्रिंग का कितना है एक्स डेस, तो देखो माइनस का के इक्वलेंट इंटू एक्स डेस अभी मैं लिखा हूं कितना 2x, और उसमें F कितना है, इसमें F क्या था टी डेस, तो टी डेस कितना मेरे पास mg by 2, तो देखो यहां वैल्यू पूरी पुट करता हूं F, F हमारे लिए स्प्रिंग के लिए, तो ध्यान दो mg by 2 इज इक्वल टू ये मेरे पास है 2 के इक्वलेंट इंटू एक्स। अब इससे हम लोग फाइंड करते हैं mg by 2, तो टी डेस एक मिनट रुको, देखो हमारे पास ये क्या था इक्वेशन, F T डेस था ना, ये यहां देखो कि पहले हमने देखा कि इसको x से अपने खींचा, तो इसमें कितना है x डेस, वो हो गया 2x, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद चूंकि हमको इक्वेशन लिखना था किसके लिए, ब्लॉक के ऑसिलेशन के लिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है क्या, T इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2 पाई रूट जो मास
ऑसिलेट करता है, एम अपॉन कितना के इक्वलेंट, जो कि स्प्रिंग का है। तो स्प्रिंग के लिए हम लोग इक्वेशन लिख रहे थे, तो हमारे पास था टी डेस इज इक्वल टू के इक्वलेंट इंटू एक्स डेस। तो के इक्वलेंट इंटू एक्स डेस, एक्स डेस मेरे पास कितना है बेटा, एक्स डेस हमारे पास हो गया, बोलो बोलो कितना हुआ, एक्स डेस हमारे पास हुआ देखो 2x। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब उसके बाद समझना है कि t डेस हमारे पास था t बटा दो, देखो ये लिखो t बटा दो, तो t मेरे पास कितना आ गया 2, आगे चला गया ना 4k इक्विवेलेंट 4k, इसका तो स्प्रिंग कांस्टेंट k ही है एक बार, तो अभी इसको k ही मान के चले बेटा, ये k है तो ये भी k है, तो इसको मैं कर रहा हूँ ओनली k, थोड़ा सा यहाँ पे अपन गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट पहले से आपको के दिया जा रहा है, तो मैं उसको पहले के ही मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर ये कितना था देखो, इसको भी के रखना है, इसको भी के रखना है, आप लोगों को जहाँ तक अब तक जो सारा है वो के रखना है, ये भी के है, ये भी के है, तो हमारे पास ये के है इन टू एक्स आ गया, तो टी इज इक्वल टू 4kx। अब टी क्या है, टी तो कैपिटल एम पे है ना, तो कैपिटल एम की जो इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लिखते हैं तो वह है टी इक्वल टू 4kx, इसलिए इसके ऑसिलेशन के लिए t इक्वल टू हम लोग लिखे k इक्वलेंट इंटू एक्स, एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट था। अब देखो इसको कंपेयर करने पे k इक्वलेंट हमारे पास कितना आ गया 4k, तो दोनों देखने पड़ेंगे, इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन से पहले आपको डिस्प्लेसमेंट चेक करने पड़ेंगे, उसके बाद फाइनली इसके लिए इक्वेशन लिख करके उसको हमें कन्वर्ट करना है किसके लिए, कैपिटल एम के लिए। तो जो प्रॉपर्टी इस स्प्रिंग की थी ना उनको थोड़ा सा बदलते हुए आपको इसके अकॉर्डिंग लेके आ जाना है, उसके पश्चात जो t का फॉर्मूला बना है उसमें x के अलावा जो वैल्यू है ना वो हमेशा k इक्विवेलेंट कहलाएगी, और k इक्विवेलेंट हमारे पास है 4k, तो इस k इक्विवेलेंट के स्थान पे देखो वैल्यू पुट कर दूं तो 2 पाई रूट m बाई 4k, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आंसर देखो इसका हो जाएगा 2 पाई रूट m बाई 4k, इसका थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। बढ़े आगे, तो देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है कि एमीटर रीडिंग कितनी है, ये एमीटर यहां है, ये 6 और ये 6 आपस में पैरेलल हैं, इसको नीचे ले आऊं तो 6 और 6 तीन बार हैं तो कितना 6/3, तो रेजिस्टेंस आया 2 ओम, यानी आप इन सबको उड़ा दो, इन सब उड़ा दो तो हमारे पास केवल ये देखो 2 ओम, ये आपके पास बैटरी, ये एमीटर, और इन तीनों का रेजिस्टेंस एक ही मान लेता हूं तो वो है हमारे पास 2 ओम। अब ये थी हमारे पास बैटरी कितनी 2 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट 2 ओम पहले से है, तो करंट कितना फ्लो होगा 2/4 1/2 एम्पियर, ये साहब इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, 6 पैरेलल 6/3 तो 2 ओम, फिर 2 और ये 2 ओम एक्स्ट्रा पर ऐड कर दिया, 2 और 2 कितना 4, 2 वोल्ट बैटरी है, 2/4 कितना 1/2 आंसर इसका आ जाएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है आप खुद कर लेंगे, ये सब दे रखा है, टोरॉइड के अंदर कितना बी होता है, तो बी हम लोग पढ़ते हैं म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, तो म्यू नॉट स्मॉल एन होता है, इसमें कैपिटल एन अपॉन कितना 2πr इंटू आई, इसको वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर आपका सेकेंड के आसपास है वो आ जाएगा, ये आप खुद कर लेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और अब हम पहुंच चुके बिल्कुल इसके लास्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन का भी मैं आपको हिंट देता हूं, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्या है, रिएक्टर पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो रिएक्टर की पावर क्या होती है, जैसे मान लो हमारे पास कोई रिएक्टर है और इस रिएक्टर में हमने कोई फ्यूल रखा हुआ है, इसका मास कितना स्मॉल एम है और इस रिएक्टर की पावर कितनी पी है, और इसमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मान लो कितने एन है, मान लो टी समय में इसमें एन जो मॉलिक्यूल है उनका हो गया फ्यूजन, और पर फ्यूजन जो एनर्जी निकलती है ई, एक फ्यूजन से जो एनर्जी निकलती है ई, और यूरेनियम के लिए आपको मालूम है इसमें करीब करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर फ्यूजन होती है रिलीज, तो इसकी पावर जो हम लिखते हैं पावर पी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, यह है एन इंटू ई बाई टी। एन क्या है, इस कैपिटल एम मास में, इसको जो स्मॉल एम मास हमारे पास, इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टोटल नंबर न्यूक्लियाई कैसे निकालेंगे लोग, तो पी इज इक्वल टू देखो 1/T इंटू ई को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये कैपिटल एन क्या है, इस स्मॉल एम में कितने नंबर ऑफ एटम्स, मान लो जितने एटम्स होते हैं न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस अपन निकालते हैं, तो अमाउंट ऑफ मैटर अपॉन उसका मॉलिकुलर वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर,
ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से आपको निकालना है कि एक दिन में, वन डे में कितना यूरेनियम हमने काम में लिया है। तो इसमें टी हमारे पास आ चुका, तो ओनली स्मॉल एम निकालना है। तो स्मॉल एम आपके पास है पी पी टी एम नॉट, पी एम नॉट इंटू टी अपॉन, ये देखो हमारे पास है ई इंटू एन नॉट। अब इसकी वैल्यू को, प्रॉपर वैल्यू को पुट करोगे, जैसे पी हमारे पास कितना देखो 0.95 मेगावाट, ये मेगा में है, इंटू एम नॉट ये है 235 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, इंटू टाइम, टाइम हमारे पास है एक दिन, तो एक दिन का मतलब हो गया 86,400 सेकेंड, अपॉन ई, ई था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल है, पर फ्यूजन एक टूटने से इतनी मिलती है, तो 200 इंटू मेगा को यहीं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू एन नोट, ये हो गया आपका 6 इंटू 10 की पावर 23। और कितना मॉलिक्यूल्स पर मोल, तो पर मोल ये कट जाएगा, ओनली ग्राम में इसका आंसर आ जाएगा, और सोल्व करने पर इसका आंसर आपका 1 ग्राम के पास आ जाएगा। क्लियर? तो काफी सारे क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, नया पैटर्न है, नए तरीके से आपने क्वेश्चन करने होते हैं, अच्छे से क्वेश्चन करिए और डेफिनेट अपने जो कॉन्फिडेंस को इतना पावर में रखें, इतना अपने हक में रखें कि आपका अपना हक आपके सिलेक्शन में आपकी हेल्प कर जाए। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी।